वरुण तेज की फिल्म लोफर देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म की कहानी साथ ही जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। फिल्म की कहानी काफी सिंपल है। एक अहंकारी और गैर जिम्मेदार पिता अपनी पत्नी से अलग हो जाता है और अपने बेटे राजा को उससे दूर ले जाता है। राजा बड़ा होकर अपने पिता की तरह लोफर बन जाता है और मानता है कि वो एक मातृहीन बच्चा है। जैसे जैसे समय बीतता है राजा को मोनी से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता से बहुत बड़ा खतरा है। राजा तब मोनी को मुक्त करने का फैसला करता है और जब वो ऐसा करने वाला होता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ अभी भी जीवित है और सीधे तौर पर मोनी और उसकी समस्याओं से संबंधित है। राजा अपनी माँ का सामना कैसे करेगा, उसकी माँ का दिशा से क्या संबंध है और राजा इन सभी समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, यही कहानी का बाकी हिस्सा बनता है। लोफर निश्चित रूप से वरुण के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। यह साबित करता है कि वरुण एक व्यापक भूमिका निभा सकते हैं और गानों और झगड़ों में सभी को प्रभावित कर सकते हैं। यह दुबला पतला हीरो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में एक बड़ा स्टार होगा और इसे शानदार तरीके से प्रदर्शित किया गया है। वरुण के कद, स्क्रीन उपस्थिति और भावात्मक प्रदर्शन को पूरी ने उत्कृष्ट रूप से प्रदर्शित किया है। फिर भी फिल्म की एक और प्रमुख संपत्ति पोसानी कृष्ण मुरली है। अनुभवी अभिनेता ने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है और एक चतुर पिता के रूप में शानदार हंसी पैदा की है। यह उनके लिए एक विशेष भूमिका है और वरुण तेज के साथ पोसानी की केमिस्ट्री काफी अच्छी है। दिशा पटानी आत्मविश्वास से भरी शुरुआत करती है और स्क्रीन पर अच्छी लगती है। फर्स्ट हाफ इंटरवल धमाकेदार काफी अच्छे है और तेज गति से आगे बढ़ते हैं। रेवती वरुण के बीच के सभी इमोशनल सीन बेहद अच्छे सामने आए हैं। एक अनुभवी अभिनेत्री होने के नाते रेवती ने दूसरे भाग के दौरान अपने प्रदर्शन में शानदार प्रदर्शन किया। कहानी की दृष्टि से एक बार फिर इसमें कुछ भी नया नहीं है। इंटरवल के बाद फिल्म काफी पूर्वानुमानित हो जाती है और आपको पता होता है कि अंत तक क्या होगा। इंटरवल के बाद भाग के बाद फिल्म बिखर जाती है और कुछ अनावश्यक दृश्य सामने आ जाते हैं। क्लाइमेक्स भी थोड़ा जबरदस्ती से भरा लगता है और बहुत ज्यादा मेलोड्रामा के साथ इसे खींचा भी गया है। फिल्म में कुछ तर्क गायब है क्योंकि फिल्म को और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए प्री क्लाइमेक्स के दौरान माँ बेटे के रिश्ते का खुलासा किया जा सकता था। फिल्म का संगीत बहुत खराब है क्योंकि गाने बिल्कुल भी दर्ज नहीं है। ब्रह्मानंदन की प्रविष्टि और उनके प्रकरण को अनावश्यक रूप से जोड़ा गया है और यह तर्कहीन लगता है। उत्पादन मूल्य काफी अच्छे है। जोधपुर के दृश्य ताजा दिखते है और इन्हें भव्य पैमाने पर फिल्माया गया है। वरुण तेज को शानदार तरीके से स्टाइल किया गया है और वो अपने किरदार के लिए उपयुक्त लगते हैं। पूरी के संवाद अच्छे हैं और संपादन भी अच्छा है। पटकथा काफी अच्छी है और पहले भाग के अधिकांश भाग में टिकी रहती है। हालांकि दूसरे भाग में एक बिंदु के बाद पूरी विचारों से वंचित हो जाते हैं और कुछ अनावश्यक पदों का परिचय देते हैं, लेकिन वरुण को शानदार तरीके से पेश करने और युवा स्टार से अद्भुत प्रदर्शन कराने का श्रेय पूरी तरह से उन्हें दिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर लोफर एक ऐसी फिल्म है जो वरुण तेज के आत्मविश्वास और करियर के लिए चमत्कार करेगी। दुबला पतला हीरो बड़े पैमाने पर अवतार में शो में धूम मचाता है और लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन पूर्वानुमानित कहानी, जल्दबाजी में आया क्लाइमेक्स और औसत से नीचे का संगीत फिल्म का मूड खराब कर देता है। अंत में लीक से हटकर कुछ भी उम्मीद न करे और इस फिल्म को केवल एक विशिष्ट पूरी कथन, माँ की भावना और वरुण के हरफनमौला प्रदर्शन के लिए मौका दे। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार और G5 पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। लेकिन अगर आप इसे G5 पर देखते हैं तो आप इसे फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास G5 का सब्सक्रिप्शन है तो। वरुण तेज की फिल्म लोफर देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म की कहानी साथ ही जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। फिल्म की कहानी काफी सिंपल है। एक अहंकारी और गैर जिम्मेदार पिता अपनी पत्नी से अलग हो जाता है और अपने बेटे राजा को उससे दूर ले जाता है। राजा बड़ा होकर अपने पिता की तरह लोफर बन जाता है और मानता है कि वो एक मातृहीन बच्चा है। जैसे जैसे समय बीतता है राजा को मोनी से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता से बहुत बड़ा खतरा है। राजा तब मोनी को मुक्त करने का फैसला करता है और जब वो ऐसा करने वाला होता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ अभी भी जीवित है और सीधे तौर पर मोनी और उसकी समस्याओं से संबंधित है। राजा अपनी माँ का सामना कैसे करेगा, उसकी माँ का दिशा से क्या संबंध है और राजा इन सभी समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, यही कहानी का बाकी हिस्सा बनता है। लोफर निश्चित रूप से वरुण के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। यह साबित करता है कि वरुण एक व्यापक भूमिका निभा सकते हैं और गानों और झगड़ों में सभी को प्रभावित कर सकते हैं। यह दुबला पतला हीरो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में एक बड़ा स्टार होगा और इसे शानदार तरीके से प्रदर्शित किया गया है।
वरुण की कद, स्क्रीन उपस्थिति और भावात्मक प्रदर्शन को पूरी ने उत्कृष्ट रूप से प्रदर्शित किया है। फिर भी फिल्म की एक और प्रमुख संपत्ति पोसानी कृष्ण मुरली है। अनुभवी अभिनेता ने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है और एक चतुर पिता के रूप में शानदार हंसी पैदा की है। यह उनके लिए एक विशेष भूमिका है और वरुण तेज के साथ पोसानी की केमिस्ट्री काफी अच्छी है। दिशा पटानी आत्मविश्वास से भरी शुरुआत करती है और स्क्रीन पर अच्छी लगती है। फर्स्ट हाफ इंटरवल धमाकेदार काफी अच्छे है और तेज गति से आगे बढ़ते है। रेवती वरुण के बीच के सभी इमोशनल सीन बेहद अच्छे सामने आए है। एक अनुभवी अभिनेत्री होने के नाते रेवती ने दूसरे भाग के दौरान अपने प्रदर्शन में शानदार प्रदर्शन किया। कहानी की दृष्टि से एक बार फिर इसमें कुछ भी नया नहीं है। इंटरवल के बाद फिल्म काफी पूर्वानुमानित हो जाती है और आपको पता होता है कि अंत तक क्या होगा। इंटरवल के बाद भाग के बाद फिल्म बिखर जाती है और कुछ अनावश्यक दृश्य सामने आ जाते हैं। क्लाइमेक्स भी थोड़ा जबरदस्ती से भरा लगता है और बहुत ज्यादा मेलोड्रामा के साथ इसे खींचा भी गया है। फिल्म में कुछ तर्क गायब है क्योंकि फिल्म को और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए प्री क्लाइमेक्स के दौरान माँ बेटे के रिश्ते का खुलासा किया जा सकता था। फिल्म का संगीत बहुत खराब है क्योंकि गाने बिल्कुल भी दर्ज नहीं है। ब्रह्मानंदन की प्रविष्टि और उनके प्रकरण को अनावश्यक रूप से जोड़ा गया है और यह तर्कहीन लगता है। उत्पादन मूल्य काफी अच्छे है। जोधपुर के दृश्य ताजा दिखते है और इन्हें भव्य पैमाने पर फिल्माया गया है। वरुण तेज को शानदार तरीके से स्टाइल किया गया है और वो अपने किरदार के लिए उपयुक्त लगते है। पूरी के संवाद अच्छे है और संपादन भी अच्छा है। पटकथा काफी अच्छी है और पहले भाग के अधिकांश भाग में टिकी रहती है। हालांकि दूसरे भाग में एक बिंदु के बाद पूरी विचारों से वंचित हो जाते हैं और कुछ अनावश्यक पदों का परिचय देते हैं। लेकिन वरुण को शानदार तरीके से पेश करने और युवा स्टार से अद्भुत प्रदर्शन कराने का श्रेय पूरी तरह से उन्हें दिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर लोफर एक ऐसी फिल्म है जो वरुण तेज के आत्मविश्वास और करियर के लिए चमत्कार करेगी। दुबला पतला हीरो बड़े पैमाने पर अवतार में शो में धूम मचाता है और लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन पूर्वानुमानित कहानी, जल्दबाजी में आया क्लाइमेक्स और औसत से नीचे का संगीत फिल्म का मूड खराब कर देता है। अंत में लीक से हटकर कुछ भी उम्मीद न करें और इस फिल्म को केवल एक विशिष्ट पूरी कथन, माँ की भावना और वरुण के हरफनमौला प्रदर्शन के लिए मौका दे। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार और G5 पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसी फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। लेकिन अगर आप इसे G5 पर देखते हैं तो आप इसे फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास G5 का सब्सक्रिप्शन है तो। वरुण तेज की फिल्म लोफर देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म की कहानी साथ ही जाने कहाँ देखी इसे फ्री में। फिल्म की कहानी काफी सिंपल है। एक अहंकारी और गैर जिम्मेदार पिता अपनी पत्नी से अलग हो जाता है और अपने बेटे राजा को उससे दूर ले जाता है। राजा बड़ा होकर अपने पिता की तरह लोफर बन जाता है और मानता है कि वो एक मातृहीन बच्चा है। जैसे जैसे समय बीतता है राजा को मोनी से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता से बहुत बड़ा खतरा है। राजा तब मोनी को मुक्त करने का फैसला करता है और जब वो ऐसा करने वाला होता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ अभी भी जीवित है और सीधे तौर पर मोनी और उसकी समस्याओं से संबंधित है। राजा अपनी माँ का सामना कैसे करेगा, उसकी माँ का दिशा से क्या संबंध है और राजा इन सभी समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, यही कहानी का बाकी हिस्सा बनता है। लोफर निश्चित रूप से वरुण के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। यह साबित करता है कि वरुण एक व्यापक भूमिका निभा सकते हैं और गानों और झगड़ों में सभी को प्रभावित कर सकते हैं। यह दुबला पतला हीरो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में एक बड़ा स्टार होगा और इसे शानदार तरीके से प्रदर्शित किया गया है। वरुण के कद, स्क्रीन उपस्थिति और भावात्मक प्रदर्शन को पूरी ने उत्कृष्ट रूप से प्रदर्शित किया है। फिर भी फिल्म की एक और प्रमुख संपत्ति पोसानी कृष्ण मुरली है। अनुभवी अभिनेता ने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है और एक चतुर पिता के रूप में शानदार हंसी पैदा की है। यह उनके लिए एक विशेष भूमिका है और वरुण तेज के साथ पोसानी की केमिस्ट्री काफी अच्छी है। दिशा पटानी आत्मविश्वास से भरी शुरुआत करती है और स्क्रीन पर अच्छी लगती है। फर्स्ट हाफ इंटरवल धमाकेदार काफी अच्छे है और तेज गति से आगे बढ़ते है। रेवती वरुण के बीच के सभी इमोशनल सीन बेहद अच्छे सामने आए है। एक अनुभवी अभिनेत्री होने के नाते रेवती ने दूसरे भाग के दौरान अपने प्रदर्शन में शानदार प्रदर्शन किया। कहानी की दृष्टि से एक बार फिर इसमें कुछ भी नया नहीं है। इंटरवल के बाद फिल्म काफी पूर्वानुमानित हो जाती है और आपको पता होता है कि अंत तक क्या होगा। इंटरवल के बाद भाग के बाद फिल्म बिखर जाती है और कुछ अनावश्यक दृश्य सामने आ जाते हैं। क्लाइमेक्स भी थोड़ा जबरदस्ती से भरा लगता है और बहुत ज्यादा मेलोड्रामा के साथ इसे खींचा भी गया है। फिल्म में कुछ तर्क गायब है क्योंकि फिल्म को और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए प्री क्लाइमेक्स के दौरान माँ बेटे के रिश्ते का खुलासा किया जा सकता था।
फिल्म का संगीत बहुत खराब है क्योंकि गाने बिल्कुल भी दर्ज नहीं है। ब्रह्मानंदन की प्रविष्टि और उनके प्रकरण को अनावश्यक रूप से जोड़ा गया है और यह तर्कहीन लगता है। उत्पादन मूल्य काफी अच्छे है। जोधपुर के दृश्य ताजा दिखते हैं और इन्हें भव्य पैमाने पर फिल्माया गया है। वरुण तेज को शानदार तरीके से स्टाइल किया गया है और वो अपने किरदार के लिए उपयुक्त लगते हैं। पूरी के संवाद अच्छे हैं और संपादन भी अच्छा है। पटकथा काफी अच्छी है और पहले भाग के अधिकांश भाग में टिकी रहती है। हालांकि दूसरे भाग में एक बिंदु के बाद पूरी विचारों से वंचित हो जाते हैं और कुछ अनावश्यक पदों का परिचय देते हैं, लेकिन वरुण को शानदार तरीके से पेश करने और युवा स्टार से अद्भुत प्रदर्शन कराने का श्रेय पूरी तरह से उन्हें दिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर लोफर एक ऐसी फिल्म है जो वरुण तेज के आत्मविश्वास और करियर के लिए चमत्कार करेगी। दुबला पतला हीरो बड़े पैमाने पर अवतार में शो में धूम मचाता है और लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन पूर्वानुमानित कहानी, जल्दबाजी में आया क्लाइमेक्स और औसत से नीचे का संगीत फिल्म का मूड खराब कर देता है। अंत में लीक से हटकर कुछ भी उम्मीद न करे और इस फिल्म को केवल एक विशिष्ट पूरी कथन, माँ की भावना और वरुण के हरफनमौला प्रदर्शन के लिए मौका दे। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार और G5 पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसी फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। लेकिन अगर आप इसे G5 पर देखते हैं तो आप इसे फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास G5 का सब्सक्रिप्शन है तो बहुत अलग लग रहे हो, क्या कहना चाहोगे? डेफिनेटली अगर अलग लग रही हूँ तो आई होप पॉजिटिवली अलग लग रही हूँ, बिकॉज बहुत लंबी एक ट्रिप ली मैंने श्रीलंका में, 15 दिन की ट्रिप ली, बिकॉज यू नो डिटॉक्स चाहिए था वर्क लाइफ से, बिग बॉस से, क्योंकि इतनी अडिक्ट हो गए थे कि वापस आके भी मैं पूरे दिन एपिसोड्स देख रही थी तो थोड़ा ना मेंटली हैवी हो रहा था। तो आई वाज लाइक आई नीड दिस ब्रेक फॉर माई सेल्फ, थोड़ा सा काम वाम को थोड़ा साइड में रखा जाए और टाइम अपने आप को दे। सो श्रीलंका गई थी 15 दिन, अभी वापस आई, इनफैक्ट और एक्सटेंड करने का प्लान था बट एक वर्क आ गया बाय गॉड्स ग्रेस। दिस इज एक्चुअली माय फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट आई एम डूइंग आफ्टर बिग बॉस, तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी। तो बस इसीलिए शायद थोड़ी अलग लग रही होंगी। बिग बॉस से आपने चलो मेंटली ब्रेक ले ही लिया और थोड़ा फ्रेश भी हो गए, पॉजिटिवली दिख भी रहे जी। तो अब रिसेंटली फिर भी बिग बॉस तो ट्रेंडिंग है, आप भी देख रहे हैं, तो रिसेंटली अभी अविनाश और जेट का एविक्शन हुआ है, बहुत सारी बातें निकली है बाहर, आपके बारे में भी बात हुई क्या? यस, जैसे अविनाश से कुछ पूछा गया था कि आपका ब्रेकअप हुआ था जब उनके साथ, तो आपके डैड को हार्ट अटैक आया था समथिंग, तो वो कह रहे थे कि 21 या तो वो 21 महीने हो गए जब ब्रेकअप के, तो अभी ये सब बातें क्यों आ रही है बाहर? क्यों आप बिग बॉस का वेट कर रही थी बात लाने के लिए, या बिग बॉस में अंदर गए थे तो उनके साथ आप अच्छे से थे, उनको उन्होंने आपको पॉइंट्स भी दिया था, तब आपके नेचर में कुछ ऐसे अलग लगा नहीं उन्हें, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? मुझे ऐसा लगता है इट इज नेवर टू लेट टू पुट योर पॉइंट फॉरवर्ड, या अपने आप कहीं अपने लिए खड़ा रहना, अपने लिए स्टैंड लेना, इट इज नेवर टू लेट। ये कोई थम रूल नहीं होता कि आप पहले आपने क्यों नहीं बोला और अभी क्यों बोला। इसका भी जवाब मैं दे देती हूँ, क्योंकि पहले मैं इमोशनली काफी वीक थी। जब एक लड़की एक ब्रेकअप से गुजरती है, कोई भी इंसान ब्रेकअप से गुजरता है, आप इमोशनली एटलीस्ट आई एम अ ह्यूमन, मुझे मेरे में तो इमोशंस हैं, दूसरों का पता नहीं, बट डेफिनेटली मैं इमोशनली काफी वीक थी, मेंटली वीक थी, एंड सच कहूंगी क्योंकि मैं तब उन्हें तब एटलीस्ट मेरे मन में उनके लिए इज्जत थी। अब जब मैं गेम में गई, मैं उस गेम में अपने रिश्ते की मौकरी बनाने नहीं गई, मैंने पहले चीजें आगे निकाली ही नहीं, तो मुझे गेम में तो पता नहीं था कि वो मेरे पीठ पीछे क्या बातें कर रहे हैं, इतना डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, प्लस नेशनल टेलीविजन पे इतने बड़े मंच पे उन्हें इतना झूठ बोला, तो मुझे वापस आके ही पता चला ना। तो अगर एक इंसान इतना कुछ बोल रहा है आपके बारे में, आपके रिश्ते की मौकरी वो खुद बना रहा है, तो शुरुआत उन्होंने की, और मैं बाहर आके थे, मैंने एपिसोड देखे और मैंने उस चीज का जवाब दिया, तो उसमें गलत क्या है? आई थिंक इट्स नेवर टू लेट टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, टू स्टैंड फॉर द राइट थिंग। एंड मैंने एक इंटरव्यू में काफी अपने इमोशंस को वेंट आउट किया है, यू नो, सो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ सब कुछ, इट्स एवरीथिंग इज आउट देयर, और मैंने सच ही बोला है। मुझे उस पॉइंट पे या लेवल पे नहीं जाना है कि आई हैव टू प्रूव इट, टू प्रूव दैट पर्सन रॉन्ग एंड मी राइट, बिकॉज इस चीज से काफी लोगों का नुकसान हो जाएगा, तो आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर।
प्लस यार मैं अभी अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ. मैं अब आई एम वर्किंग राइट नाउ एंड यू नो आई एम ग्लैड कि आई हैव गॉन इन माई ओन वे इन माई ओन स्पेस. तो उस चीज को हम साइड में ही रखें तो बेटर है. जो पास्ट है वो पास्ट में चला गया है. बाकी रही बात इसकी, मेरा जवाब यही है दैट आई डोंट थिंक इट्स एवर टू लेट. मुझे अभी लगा ठीक जब मैं बिग बॉस के घर के से बाहर आई एंड देन आई सॉ द यू नो एपिसोड्स, तो तब मुझे लगा और अभी मैं उनकी उतनी ऑनेस्टली आई डोंट रिस्पेक्ट हिम एज अ पर्सन राइट नाउ एज मच एज आई यूज टू रिस्पेक्ट हिम अर्लियर. शायद उस चीज को दिमाग में रख के, हाँ मैंने इंटरव्यू पहले भी दिए थे बट हमेशा मैंने यही कहा था कि लॉयल्टी और रिस्पेक्ट मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बट अभी मेरे लिए वो इंसान मैटर करता ही नहीं है तो क्यों मैं सच क्यों नहीं. ओके, कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा था कि जब इतने टाइम हो गए ब्रेकअप के बाद, फिर आप जब जो फैमिली वाला मैटर हुआ है उस पे जो आपने कहा है, तो वो बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके आपके और उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, उनके थ्रू भी उन्हें पता चल सकता था कि ऐसा हुआ है. लेकिन अब क्यों आप शायद आप उनसे मूव ऑन नहीं हो पाए, तो वो उन्होंने ये भी कहा है कि प्लीज मतलब मूव ऑन हो जाइए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए. और ये भी कहा है उन्होंने कि आपका कोई है, उन्हें भी पता है, बट उनके साथ आप अच्छे से लाइफ को आगे देखिए, मतलब फ्यूचर अपना आगे का देखिए. मुझे बहुत हंसी आ रही है ये सब सुन के कि उस इंसान को मेरी लाइफ के बारे में इतने डिटेल्स पता है. तो क्लियरली ये मुझसे मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो मुझसे मूव ऑन नहीं कर रहे हैं शायद. क्योंकि 4-5 महीने पहले भी जब हमारा एनकाउंटर हुआ था वो आए थे मेरे पास बात करने एंड चीजें मेंड करने. व्हेन क्लियरली आई सेड आई हैव मूव्ड ऑन इन लाइफ. मूव ऑन करना इसका मतलब ये नहीं है कि आज मैं किसी को डेट कर रही हूँ. आई एम वेरी मच सिंगल इन माई लाइफ. मैं किसी को डेट नहीं कर रही हूँ. मैं डेफिनेटली अपने काम को डेट कर रही हूँ, अपने करियर को डेट कर रही हूँ. एंड मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो मैं अपने रिश्तों को लेकर हमेशा आई बीन आउटस्पोकन. यू नो वेदर इट्स इन द मीडिया और व्हाटएवर, मेरे पास्ट रिलेशनशिप भी उनके साथ ही इट्स ऑलवेज बीन आउट. तो मुझे इसमें कुछ वो नहीं लगता है टू नॉट टू ब्रिंग माई रिलेशन और पर्सनल लाइफ आउट. तो डेफिनेटली मैं बहुत ही हैप्पीली सिंगल हूँ. हाँ फॉर श्योर मैं फ्यूचर में सेटल होना चाहती हूँ बिकॉज आई एम समबडी हु डिजर्व्स लव, हु गिव्स लव टू पीपल. सो डेफिनेटली आई वुड वॉन्ट टू सेटल डाउन इन लाइफ. बट अगर उनको ये गलत फहमी है कि जिनके साथ मैं हूँ किनके साथ हूँ क्या, वो उनके अजम्पशंस आई डोंट नो, वो ही जाने. और रही बात रिश्ते की, वो रिलेशनशिप के बारे में ना ही बात करें तो अच्छा है क्योंकि उनके डिक्शनरी में रिलेशनशिप वर्ड बिल्कुल सूट नहीं. ओके, जैसे बिग बॉस में हमने देखा है कि फलक के साथ उनका जो भी लाइकिंग चल रहा था, अभी वो बाहर आ गए, तो आपको क्या लगता है आपके नजरिए से कि उनका ये रिश्ता आगे जा सकता है, दोस्ती से कुछ आगे बढ़ सकता है? बिल्कुल जाए, व्हाई नॉट. आई हैव मूव्ड ऑन इन माय लाइफ, ही इज मूव्ड ऑन इन हिज लाइफ. कल को मैं भी किसी और के साथ सेटल होंगी, वो भी होंगे, व्हिच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. तो अगर उन्हें कहीं किसी इंसान में कनेक्शन दिख रहा है तो क्यों नहीं. आई मीन आई विश द बेस्ट फॉर हिम, हिज पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, वॉट एवर लाइफ ही इज गोइंग फॉरवर्ड विथ. एंड या मैन, इट्स ह्यूमन, टू पीपल पार्ट वेज. तो सब अपने अपने लाइफ में सेटल हों, खुश हों. बाकी आई डोंट नो, उन्होंने खुद कहा था जिया को कि मुझे इस एंगल में घुसना ही नहीं है रिलेशनशिप्स में बिकॉज आई एम नॉट मेंट फॉर इट. और एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था कि मैं 2 घंटे में आउट ऑफ लव हो जाता हूँ. तो अगर आप 2 घंटे में आउट ऑफ लव हो जाते तो प्लीज किसी की लाइफ मत खराब कीजिए. बट फिर भी आई विश द बेस्ट फॉर हिम इफ ही वांट्स टू मूव ऑन. जिया की बात करते तो बिग बॉस में हमने देखा है जब आपके एंटर होने से पहले अविनाश ने जिया को कुछ कहा था कि आप जिया को पसंद नहीं, मतलब पसंद नहीं करते, कहीं ना कहीं जिया का नेचर कुछ अलग है, डिफरेंट है. उस पर आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है अविनाश जिया को आपके खिलाफ कुछ ऐसे वर्ड्स पुट ऑन कर रहे थे कि जहाँ गेम में आपको प्रॉब्लम हो जाए? सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि उनकी गेम इनिशियली तो साथ में ही थी. मुझे जिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं तो इनफैक्ट बहुत खुश हूँ कि हमारी दोस्ती वापस हो गई. यू नो अगर उनने ट्राई भी किया उसके कान भरने के लिए, आई थिंक वो लड़की मेरे साथ थी. भले यू नो आगे से जाके पहलू मैंने की, बात हमारी हुई, बट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे उसने डेफिनेटली मेरे साथ यू नो गेम में आगे बढ़ने का सोचा. इनफैक्ट उसने कुछ एपिसोड्स में ये भी कहा था कि आज पलक अगर इस घर में होती तो मेरा एक बैकबोन, मेरी स्ट्रेंथ होती, जो कि मुझे देख के बहुत खुशी हुई. एंड आई एम एक्चुअली वेरी ग्लैड कि यार वो टॉप 5 तक अगर जाती है जिया, आई थिंक नथिंग लाइक इट. तो अगर आई एम नॉट वेरी श्योर कि बट दोनों की गेम डेफिनेटली साथ में हो रही थी. मुझे लग रहा था कि इनिशियल डेज पे 2-3 दिन वो लोग ट्राई तो कर रहे थे क्योंकि उनको जिया ने मुझे कन्फ्रंट भी किया था. उसने मुझे कहा था कि यू नो जब तू गेम में आई थी तो मुझे लगा था कि तू तो बिल्कुल बैंटर मोड में आएगी, तू तो चिल्लाएगी चीखेगी, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं.
तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मेरी दोस्त आ गई है घर में, कोई मेरा बैकबोन है. एंड डेफिनेटली अगर आज मैं गेम में होती तो मैं उसके लिए खड़ी होती एज अ स्ट्रेंथ फॉर श्योर. ओके, तो बिग बॉस की बात करते हैं वापस. रिसेंटली अभी वीकेंड के वार में सलमान सर और ने एल्विश को चिल्लाया था, मतलब समझाया था. उन्होंने कुछ ऐसे बेबी का को लेके कुछ अलग शब्द यूज किए थे जहाँ टेलीविजन मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म से, जहाँ सलमान सर जब होस्ट कर रहे तो वो चीज को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे. तो उनके वजह से, उस चीज की वजह से एल्विश के जो फैंस है सलमान, उनके सलमान सर के फैंस काफी हद तक कम हो गए थे, उस पे क्या कहना है आपका? इस पे क्या ही कहूं मैं. आई थिंक उसकी, अगर अभिषेक की आर्मी स्ट्रांग है तो उसका सिस्टम भी बहुत भारी है एल्विश का. सो डेफिनेटली वो सिस्टम हिला रहा है अंदर रह के. तो आई थिंक अभी वो, मुझे ये चीज मुझे पता नहीं है कि सलमान सर के फॉलो, मुझे लगता है सलमान सर एज अ होस्ट ऑफ द शो हमें उस चीज को बहुत ही पॉजिटिवली बहुत स्ट्रांगली लेना चाहिए, बिकॉज इवेंचुअली तो वो सब क्रिएटिव कॉल ही होता है जो वो बोलते हैं. उनकी कोई पर्सनल खुन्नस कोई कंटेस्टेंट से होती नहीं है. एंड वो जब वीकेंड के बारे में किसी को समझाते भी हैं तो इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द शो एंड फॉर योर गेम. हम तो बेताबी से वेट करते थे वीकेंड का वार कब आएगा कब आएगा, क्योंकि हमें ना वीकेंड के बारे में एक डायरेक्शन मिलता है गेम में कि हम सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं क्या हम चेंज करें. सो मुझे लगता है ये पर्सनल अटैक सलमान साहब पे तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज वट एवर ही डज इज डेफिनेटली अ क्रिएटिव कॉल प्लस वो जो भी बोलते हैं कंटेस्टेंट के बेटरमेंट के लिए बोलते हैं. बट लाइक आई सेड एल्विश की सिस्टम थोड़ा भारी है, सब पे है, सलमान से क्या सब पे है, सारे कंटेस्टेंट्स पे भी है. मैम आप बिग बॉस के कंटेस्टेंट रह चुके हो तो आप विनर किसको देखते हो, मतलब आप फिनाले भी नजदीक आ रहा है तो जी. किसको आपकी नजर में मतलब कौन होगा विनर? मेरा तो यार मैं स्टार्टिंग से ही मैं अभिषेक को सपोर्ट कर रही हूँ, वो लंबी रेस का घोड़ा है फ्रॉम डे वन. मुझे पता है एल्विश भी स्ट्रांग है, जिया डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि वो जीते. बट इफ आई सी इट ऑन अ वेरी फेयर गेम, मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक को जीतना चाहिए. आई थिंक उसमें सारी क्वालिटीज हैं टू बी अ विनर. टॉप थ्री में मैं अभिषेक, मनीषा और जिया चाहूंगी. बट कहीं ना कहीं जिया को ये भी कहा गया है कि वो अभिषेक का सपोर्ट लेके गेम में आगे बढ़ती है, उनका कोई पर्सनल गेम नहीं है. जब उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब नॉमिनेशंस हो रहे हैं एविक्शन हो रहे हैं तो वो अभिषेक के साथ क्लोज आके फिर वो जो हैशटैग होता है वो अभिषा जो यूज हो रहा है ये भी कहा गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे कि सही आपके नजरिए से क्या लगता है कि जिया सचमुच में वैसे प्ले कर रही है या इट्स जस्ट अ गेम? मैंने अभी जैसे मैंने कहा कि मैंने एक बिग बॉस डिटॉक्स लिया था श्रीलंका, तो मैंने पिछले 15 दिन से एपिसोड्स देखे ही नहीं है. बट बैक देन व्हाट आई सॉ, मुझे ऐसा लग रहा था कि अकॉर्डिंग टू द गेम आपको अपने दुश्मन और दोस्त आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन आपके दोस्त है कौन दुश्मन. आई थिंक वो काफी न्यूट्रल खेल रही है इन अ वे अभिषेक के साथ. मुझे ऐसा लगता है अभी अविनाश भी निकल गए, फलक भी निकल गए, ऑल हर फ्रेंड्स आर आउट. सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जितने लोग बचे हैं वो लॉट में से वो शायद अभिषेक को ज्यादा ट्रस्ट कर सकती है कंपेयर टू एनी अदर पर्सन, क्योंकि पूजा मैम के साथ भी उसका बैंटर हो गया, मनीषा के साथ ऑलरेडी उसकी टिफ चलती है, एंड एल्विश के साथ भी वो पानी वाला इंसिडेंट जो भी हुआ था. तो मुझे लगता है जितना लॉट अभी बचा है, बेबिका के साथ उसकी कभी बनती नहीं थी, आई थिंक अभिषेक माइट ओनली बी हर सपोर्ट सिस्टम इन द गेम राइट नाउ. शायद मैं भी होती तो मैं इस लॉट में अगर समझती तो मैं अभिषेक ही, मतलब मेरे साथ ऑब्वियसली मेरा बॉन्ड उसी के साथ ही स्ट्रांग होता. तो फ्रॉम द गेम्स पर्सपेक्टिव आई थिंक, और उस घर, यार वो घर ही वैसा है, आपको चाहिए लोग, आप अकेले नहीं बैठ सकते हो उस घर में. सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सपोर्ट सिस्टम वो ही है. दादा थोड़ा वॉल्यूम कम करो ना इधर फोन में. बिग बॉस की हिस्ट्री में पहली बार ऐसे भी हुआ है कि इस बार यूट्यूबर्स आए हैं और कहीं ना कहीं कुछ आर्टिस्ट है, जैसे अर्चना गौतम ने कहा है कि यूट्यूबर्स को इतने फैन फॉलोइंग को लाओगे तो फिर वो एक्टर्स का क्या होगा, तो फर्क पड़ेगा टीआरपी के लिए अगर हम लाते हैं यूट्यूबर्स को तो फिर उनके फैंस आके धमकी देते हैं कि इनको जिताओ नहीं तो सेट जला देंगे. तो उस पर आपको क्या, उस पर क्या कहना है यूट्यूबर्स, क्योंकि बिग बॉस इज ओवरऑल अलग अलग प्लेटफॉर्म से सब लेते हैं, तो इस पे आपको कितनी सच मतलब क्या लगता है आपको कि ये सही है या गलत है? मुझे ऐसा लगता है ये मंच ऐसा है जिसमें सिर्फ एक्टर्स ही नहीं इन्फ्लुएंसर्स भी आते हैं, यूट्यूबर्स भी आते हैं. एक तो ऐसा सीजन था जिसमें कॉमनर्स भी थे. मुझे ऐसा लगता है एक बार हमें शो में आ जाते हैं तो सब इक्वल ट्रीटमेंट ही हमको मिलता है. ऐसा नहीं, एटलीस्ट घर के अंदर ऐसा नहीं कि बिग बॉस किसी और को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, चाहे वो पूजा मैम हो या साइरस सर हो या एक मनीषा रानी हो. सो आई फील एवरीवन इज ट्रीटेड वेरी इक्वली इन द शो.
डेफिनेटली जो आर्मी जिसकी ज्यादा स्ट्रांग है आपको वोट्स उसके आएंगे ही, दैट इज बट ऑब्वियस. बट यहाँ पे मुझे नहीं लगता फॉलोअर्स का गेम है, बिकॉज मेरी एक बेबिका से भी बात हुई थी ऑन डे वन व्हेन शी वाज वेरी फ्यूरियस कि यू नो तुम सबके फॉलोअर्स इतने ज्यादा हैं इंस्टाग्राम पे, मेरे तो सिर्फ इतने कम से हैं. बट लुक एट अस, आई विद अ 300K, आकांक्षा विद अ 1 million इज आउट, बट बेबिका विद अ 80K स्टिल इनसाइड. तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है यार. मुझे नहीं लगता कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोअर्स एक विनर, मनु पंजाबी वॉज अ विनर वन ऑफ द सीजन, और आई थिंक दिस वन मनवीर गुज्जर वॉज द विनर वन ऑफ द इयर्स. आई थिंक ही केम एज अ कॉमनर, एंड मुझे ऐसा लगता है आपको ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना, उनका दिल जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है, यू नो, टू एटलीस्ट विन द ट्रॉफी. वो आई थिंक प्रायोरिटी ज्यादा है. अगर ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर पाती है तो डेफिनेटली नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम विनिंग द शो. एंड ऐसा नहीं है कि हम वो 300K या 400K वाले ही जनता देखती है, सलमान सर की ऑडियंस हमें देखती है, सबकी ऑडियंस, जो भी बिग बॉस की ऑडियंस है इतने सालों से वो शो देखती है. सो डेफिनेटली हम कितने लोगों का प्यार भी जीतते हैं. ओके, आफ्टर बिग बॉस पलक पुरस्वानी को कब आपके ऑडियंस फैंस वापस रिटर्न देखेंगे? बहुत एक्साइटेड है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अभी बैंक में बैठी हूँ, मैं अपनी वर्क स्पेस में हूँ. But you guys have to be stay tuned, have some patience. Definitely I am back with a bang, and travel ho gaya, detox ho gaya, sab ho gaya. Ab aap logon ke liye kaam karna hai, so that aap log mujhe dekh paaye wapas, mujhe bahut sara pyar de paaye. To definitely main ek bahut hi interesting project ke saath aa rahi hu aap sabke screens par, jiske liye aapko thoda intezar karna padega. Main definitely ye news jaldi se you know I'll bring it out. बट या ये मैं बस एक हिंट दे सकती हूँ, ये एक जो कैरेक्टर जो मैं कर रही हूँ किरदार, अगेन इट्स अ वेरी पावरफुल रोल. ये एक्चुअली कैरेक्टर मुझे काफी हद तक रूहानियत की याद दिलाता है, बिकॉज उसमें भी आई वाज प्लेइंग अ बॉस, सो हियर आल्सो आई एम प्लेइंग अ बॉस इन दिस शो. I am the lead, and it's very interesting to work with such a lot. Director बहुत अच्छे हैं, she's directed आर्या शो के डायरेक्टर हैं, she's a female. तो हम लोग की जितना भी यू नो फ्लोर पे है वो फीमेल पावर ज्यादा है, सो मुझे काफी मजा आ रहा है. बट फॉर रेस्ट ऑफ द अपडेट्स स्टे ट्यून्ड एंड विश मी लक. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ये दिस इज सो मच फन. मोर टाइम बाय. हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल डूइंग? इतना अच्छा हेयर एंड मेकअप किया है. थैंक यू सर. आते हुए साथ ले लेके थोड़ा सा आते हुए जी. हाँ आइए आइए आइए. Done. Thank you guys. Thank you. Like a human kind. हाँ. But एक बार बस संजीत को drop in कर देना message कभी भी. Don't directly text me. मुझे उसको बस report करना.
जाते जाते अपने फैन को कुछ बोल दीजिए। यही कहूँगी कि बिग बॉस की जर्नी तो छोटी थी, तो इसीलिए आप सबके लिए वापस आ रही हूँ ऑन स्क्रीन। सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, कुछ नया देखने को मिलने वाला है आप सबको। सो यस, डिसहार्टेंड होने की ज़रूरत नहीं है कि जल्दी निकल गई, क्योंकि आई एम कमिंग बैक विद अ बैंग। लव यू गाइज। वरुण तेज की फिल्म लोफर देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म की कहानी साथ ही जाने कहाँ देखी इसे फ्री में। फिल्म की कहानी काफी सिंपल है। एक अहंकारी और गैर जिम्मेदार पिता अपनी पत्नी से अलग हो जाता है और अपने बेटे राजा को उससे दूर ले जाता है। राजा बड़ा होकर अपने पिता की तरह लोफर बन जाता है और मानता है कि वो एक मातृहीन बच्चा है। जैसे जैसे समय बीतता है, राजा को मोनी से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता से बहुत बड़ा खतरा है। राजा तब मोनी को मुक्त करने का फैसला करता है, और जब वो ऐसा करने वाला होता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ अभी भी जीवित है और सीधे तौर पर मोनी और उसकी समस्याओं से संबंधित है। राजा अपनी माँ का सामना कैसे करेगा, उसकी माँ का दिशा से क्या संबंध है, और राजा इन सभी समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, यही कहानी का बाकी हिस्सा बनता है। लोफर निश्चित रूप से वरुण के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। यह साबित करता है कि वरुण एक व्यापक भूमिका निभा सकते हैं और गानों और झगड़ों में सभी को प्रभावित कर सकते हैं। यह दुबला पतला हीरो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में एक बड़ा स्टार होगा, और इसे शानदार तरीके से प्रदर्शित किया गया है। वरुण के कद, स्क्रीन उपस्थिति और भावात्मक प्रदर्शन को पूरे ने उत्कृष्ट रूप से प्रदर्शित किया है। फिर भी फिल्म की एक और प्रमुख संपत्ति पोसानी कृष्ण मुरली है। अनुभवी अभिनेता ने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है और एक चतुर पिता के रूप में शानदार हंसी पैदा की है। यह उनके लिए एक विशेष भूमिका है, और वरुण तेज के साथ पोसानी की केमिस्ट्री काफी अच्छी है। दिशा पटानी आत्मविश्वास से भरी शुरुआत करती है और स्क्रीन पर अच्छी लगती है। फर्स्ट हाफ इंटरवल धमाकेदार काफी अच्छे है और तेज गति से आगे बढ़ते हैं। रेवती वरुण के बीच के सभी इमोशनल सीन बेहद अच्छे सामने आए हैं। एक अनुभवी अभिनेत्री होने के नाते रेवती ने दूसरे भाग के दौरान अपने प्रदर्शन में शानदार प्रदर्शन किया। कहानी की दृष्टि से एक बार फिर इसमें कुछ भी नया नहीं है। इंटरवल के बाद फिल्म काफी पूर्वानुमानित हो जाती है और आपको पता होता है कि अंत तक क्या होगा। इंटरवल के बाद भाग के बाद फिल्म बिखर जाती है और कुछ अनावश्यक दृश्य सामने आ जाते हैं। क्लाइमेक्स भी थोड़ा जबरदस्ती से भरा लगता है और बहुत ज्यादा मेलोड्रामा के साथ इसे खींचा भी गया है। फिल्म में कुछ तर्क गायब है, क्योंकि फिल्म को और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए प्री क्लाइमेक्स के दौरान माँ बेटे के रिश्ते का खुलासा किया जा सकता था। फिल्म का संगीत बहुत खराब है, क्योंकि गाने बिल्कुल भी दर्ज नहीं है। ब्रह्मानंदन की प्रविष्टि और उनके प्रकरण को अनावश्यक रूप से जोड़ा गया है और यह तर्कहीन लगता है। उत्पादन मूल्य काफी अच्छे है, जोधपुर के दृश्य ताजा दिखते है और इन्हें भव्य पैमाने पर फिल्माया गया है। वरुण तेज को शानदार तरीके से स्टाइल किया गया है और वह अपने किरदार के लिए उपयुक्त लगते हैं। पूरी के संवाद अच्छे हैं और संपादन भी अच्छा है। पटकथा काफी अच्छी है और पहले भाग के अधिकांश भाग में टिकी रहती है। हालांकि दूसरे भाग में एक बिंदु के बाद पूरी विचारों से वंचित हो जाते हैं और कुछ अनावश्यक पदों का परिचय देते हैं, लेकिन वरुण को शानदार तरीके से पेश करने और युवा स्टार से अद्भुत प्रदर्शन कराने का श्रेय पूरी तरह से उन्हें दिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर लोफर एक ऐसी फिल्म है जो वरुण तेज के आत्मविश्वास और करियर के लिए चमत्कार करेगी। दुबला पतला हीरो बड़े पैमाने पर अवतार में शो में धूम मचाता है और लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन पूर्वानुमानित कहानी, जल्दबाजी में आया क्लाइमेक्स और औसत से नीचे का संगीत फिल्म का मूड खराब कर देता है। अंत में लीक से हटकर कुछ भी उम्मीद न करें और इस फिल्म को केवल एक विशिष्ट पूरी कथन, माँ की भावना और वरुण के हरफनमौला प्रदर्शन के लिए मौका दे। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार और G5 पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं, तो इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। लेकिन अगर आप इसे G5 पर देखते हैं, तो आप इसे फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास G5 का सब्सक्रिप्शन है तो। वरुण तेज की फिल्म लोफर देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म की कहानी साथ ही जाने कहाँ देखी इसे फ्री में। फिल्म की कहानी काफी सिंपल है। एक अहंकारी और गैर जिम्मेदार पिता अपनी पत्नी से अलग हो जाता है और अपने बेटे राजा को उससे दूर ले जाता है। राजा बड़ा होकर अपने पिता की तरह लोफर बन जाता है और मानता है कि वो एक मातृहीन बच्चा है। जैसे जैसे समय बीतता है, राजा को मोनी से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता से बहुत बड़ा खतरा है। राजा तब मोनी को मुक्त करने का फैसला करता है।
और जब वो ऐसा करने वाला होता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ अभी भी जीवित है और सीधे तौर पर मौनी और उसकी समस्याओं से संबंधित है। राजा अपनी माँ का सामना कैसे करेगा, उसकी माँ का दिशा से क्या संबंध है और राजा इन सभी समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, यही कहानी का बाकी हिस्सा बनता है। लोफर निश्चित रूप से वरुण के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। यह साबित करता है कि वरुण एक व्यापक भूमिका निभा सकते हैं और गानों और झगड़ों में सभी को प्रभावित कर सकते हैं। यह दुबला पतला हीरो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में एक बड़ा स्टार होगा और इसे शानदार तरीके से प्रदर्शित किया गया है। वरुण के कद, स्क्रीन उपस्थिति और भावात्मक प्रदर्शन को पूरी ने उत्कृष्ट रूप से प्रदर्शित किया है। फिर भी फिल्म की एक और प्रमुख संपत्ति पोसानी कृष्ण मुरली है। अनुभवी अभिनेता ने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है और एक चतुर पिता के रूप में शानदार हंसी पैदा की है। यह उनके लिए एक विशेष भूमिका है और वरुण तेज के साथ पोसानी की केमिस्ट्री काफी अच्छी है। दिशा पटानी आत्मविश्वास से भरी शुरुआत करती है और स्क्रीन पर अच्छी लगती है। फर्स्ट हाफ इंटरवल धमाकेदार काफी अच्छे है और तेज गति से आगे बढ़ते हैं। रेवती वरुण के बीच के सभी इमोशनल सीन बेहद अच्छे सामने आए हैं। एक अनुभवी अभिनेत्री होने के नाते रेवती ने दूसरे भाग के दौरान अपने प्रदर्शन में शानदार प्रदर्शन किया। कहानी की दृष्टि से एक बार फिर इसमें कुछ भी नया नहीं है। इंटरवल के बाद फिल्म काफी पूर्वानुमानित हो जाती है और आपको पता होता है कि अंत तक क्या होगा। इंटरवल के बाद भाग के बाद फिल्म बिखर जाती है और कुछ अनावश्यक दृश्य सामने आ जाते हैं। क्लाइमेक्स भी थोड़ा जबरदस्ती से भरा लगता है और बहुत ज्यादा मेलोड्रामा के साथ इसे खींचा भी गया है। फिल्म में कुछ तर्क गायब है क्योंकि फिल्म को और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए प्री क्लाइमेक्स के दौरान माँ बेटे के रिश्ते का खुलासा किया जा सकता था। फिल्म का संगीत बहुत खराब है क्योंकि गाने बिल्कुल भी दर्ज नहीं है। ब्रह्मानंदन की प्रविष्टि और उनके प्रकरण को अनावश्यक रूप से जोड़ा गया है और यह तर्कहीन लगता है। उत्पादन मूल्य काफी अच्छे है, जोधपुर के दृश्य ताजा दिखते हैं और इन्हें भव्य पैमाने पर फिल्माया गया है। वरुण तेज को शानदार तरीके से स्टाइल किया गया है और वह अपने किरदार के लिए उपयुक्त लगते हैं। पूरी के संवाद अच्छे हैं और संपादन भी अच्छा है। पटकथा काफी अच्छी है और पहले भाग के अधिकांश भाग में टिकी रहती है। हालांकि दूसरे भाग में एक बिंदु के बाद पूरी विचारों से वंचित हो जाते हैं और कुछ अनावश्यक पदों का परिचय देते हैं, लेकिन वरुण को शानदार तरीके से पेश करने और युवा स्टार से अद्भुत प्रदर्शन कराने का श्रेय पूरी तरह से उन्हें दिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर लोफर एक ऐसी फिल्म है जो वरुण तेज के आत्मविश्वास और करियर के लिए चमत्कार करेगी। दुबला पतला हीरो बड़े पैमाने पर अवतार में शो में धूम मचाता है और लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन पूर्वानुमानित कहानी, जल्दबाजी में आया क्लाइमेक्स और औसत से नीचे का संगीत फिल्म का मूड खराब कर देता है। अंत में लीक से हटकर कुछ भी उम्मीद न करे और इस फिल्म को केवल एक विशिष्ट पूरी कथन, माँ की भावना और वरुण के हरफनमौला प्रदर्शन के लिए मौका दे। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार और G5 पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। लेकिन अगर आप इसे G5 पर देखते हैं तो आप इसे फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास G5 का सब्सक्रिप्शन है तो। वरुण तेज की फिल्म लोफर देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म की कहानी साथ ही जाने कहाँ देखी इसे फ्री में। फिल्म की कहानी काफी सिंपल है। एक अहंकारी और गैर जिम्मेदार पिता अपनी पत्नी से अलग हो जाता है और अपने बेटे राजा को उससे दूर ले जाता है। राजा बड़ा होकर अपने पिता की तरह लोफर बन जाता है और मानता है कि वो एक मातृहीन बच्चा है। जैसे जैसे समय बीतता है राजा को मौनी से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता से बहुत बड़ा खतरा है। राजा तब मौनी को मुक्त करने का फैसला करता है और जब वो ऐसा करने वाला होता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ अभी भी जीवित है और सीधे तौर पर मौनी और उसकी समस्याओं से संबंधित है। राजा अपनी माँ का सामना कैसे करेगा, उसकी माँ का दिशा से क्या संबंध है और राजा इन सभी समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, यही कहानी का बाकी हिस्सा बनता है। लोफर निश्चित रूप से वरुण के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। यह साबित करता है कि वरुण एक व्यापक भूमिका निभा सकते हैं और गानों और झगड़ों में सभी को प्रभावित कर सकते हैं। यह दुबला पतला हीरो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में एक बड़ा स्टार होगा और इसे शानदार तरीके से प्रदर्शित किया गया है। वरुण के कद, स्क्रीन उपस्थिति और भावात्मक प्रदर्शन को पूरी ने उत्कृष्ट रूप से प्रदर्शित किया है। फिर भी फिल्म की एक और प्रमुख संपत्ति पोसानी कृष्ण मुरली है। अनुभवी अभिनेता ने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है और एक चतुर पिता के रूप में शानदार हंसी पैदा की है। यह उनके लिए एक विशेष भूमिका है और वरुण तेज के साथ पोसानी की केमिस्ट्री काफी अच्छी है। दिशा पटानी आत्मविश्वास से भरी शुरुआत करती है और स्क्रीन पर अच्छी लगती है। फर्स्ट हाफ इंटरवल धमाकेदार काफी अच्छे है
और तेज गति से आगे बढ़ते हैं। रेवती वरुण के बीच के सभी इमोशनल सीन बेहद अच्छे सामने आए हैं। एक अनुभवी अभिनेत्री होने के नाते रेवती ने दूसरे भाग के दौरान अपने प्रदर्शन में शानदार प्रदर्शन किया। कहानी की दृष्टि से एक बार फिर इसमें कुछ भी नया नहीं है। इंटरवल के बाद फिल्म काफी पूर्वानुमानित हो जाती है और आपको पता होता है कि अंत तक क्या होगा। इंटरवल के बाद भाग के बाद फिल्म बिखर जाती है और कुछ अनावश्यक दृश्य सामने आ जाते हैं। क्लाइमेक्स भी थोड़ा जबरदस्ती से भरा लगता है और बहुत ज्यादा मेलोड्रामा के साथ इसे खींचा भी गया है। फिल्म में कुछ तर्क गायब है क्योंकि फिल्म को और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए प्री क्लाइमेक्स के दौरान माँ बेटे के रिश्ते का खुलासा किया जा सकता था। फिल्म का संगीत बहुत खराब है क्योंकि गाने बिल्कुल भी दर्ज नहीं है। ब्रह्मानंदन की प्रविष्टि और उनके प्रकरण को अनावश्यक रूप से जोड़ा गया है और यह तर्कहीन लगता है। उत्पादन मूल्य काफी अच्छे है। जोधपुर के दृश्य ताजा दिखते हैं और इन्हें भव्य पैमाने पर फिल्माया गया है। वरुण तेज को शानदार तरीके से स्टाइल किया गया है और वो अपने किरदार के लिए उपयुक्त लगते हैं। पूरी के संवाद अच्छे हैं और संपादन भी अच्छा है। पटकथा काफी अच्छी है और पहले भाग के अधिकांश भाग में टिकी रहती है। हालांकि दूसरे भाग में एक बिंदु के बाद पूरी विचारों से वंचित हो जाते हैं और कुछ अनावश्यक पदों का परिचय देते हैं, लेकिन वरुण को शानदार तरीके से पेश करने और युवा स्टार से अद्भुत प्रदर्शन कराने का श्रेय पूरी तरह से उन्हें दिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर लोफर एक ऐसी फिल्म है जो वरुण तेज के आत्मविश्वास और करियर के लिए चमत्कार करेगी। दुबला पतला हीरो बड़े पैमाने पर अवतार में शो में धूम मचाता है और लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन पूर्वानुमानित कहानी, जल्दबाजी में आया क्लाइमेक्स और औसत से नीचे का संगीत फिल्म का मूड खराब कर देता है। अंत में लीक से हटकर कुछ भी उम्मीद न करे और इस फिल्म को केवल एक विशिष्ट पूरी कथन, माँ की भावना और वरुण के हरवन वाला प्रदर्शन के लिए मौका दे। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार और G5 पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसी फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। लेकिन अगर आप इसे G5 पर देखते हैं तो आप इसे फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास G5 का सब्सक्रिप्शन है तो। वरुण तेज की फिल्म लोफर देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म की कहानी साथ ही जाने कहाँ देखी इसे फ्री में। फिल्म की कहानी काफी सिंपल है। एक अहंकारी और गैर जिम्मेदार पिता अपनी पत्नी से अलग हो जाता है और अपने बेटे राजा को उससे दूर ले जाता है। राजा बड़ा होकर अपने पिता की तरह लोफर बन जाता है और मानता है कि वो एक मातृहीन बच्चा है। जैसे जैसे समय बीतता है राजा को मोनी से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता से बहुत बड़ा खतरा है। राजा तब मोनी को मुक्त करने का फैसला करता है और जब वो ऐसा करने वाला होता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ अभी भी जीवित है और सीधे तौर पर मोनी और उसकी समस्याओं से संबंधित है। राजा अपनी माँ का सामना कैसे करेगा, उसकी माँ का दिशा से क्या संबंध है और राजा इन सभी समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, यही कहानी का बाकी हिस्सा बनता है। लोफर निश्चित रूप से वरुण के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। यह साबित करता है कि वरुण एक व्यापक भूमिका निभा सकते हैं और गानों और झगड़ों में सभी को प्रभावित कर सकते हैं। यह दुबला पतला हीरो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में एक बड़ा स्टार होगा और इसे शानदार तरीके से प्रदर्शित किया गया है। वरुण के कद, स्क्रीन उपस्थिति और भावात्मक प्रदर्शन को पूरी ने उत्कृष्ट रूप से प्रदर्शित किया है। फिर भी फिल्म की एक और प्रमुख संपत्ति पोसानी कृष्ण मुरली है। अनुभवी अभिनेता ने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है और एक चतुर पिता के रूप में शानदार हंसी पैदा की है। यह उनके लिए एक विशेष भूमिका है और वरुण तेज के साथ पोसानी की केमिस्ट्री काफी अच्छी है। दिशा पटानी आत्मविश्वास से भरी शुरुआत करती है और स्क्रीन पर अच्छी लगती है। फर्स्ट हाफ इंटरवल धमाकेदार काफी अच्छे है और तेज गति से आगे बढ़ते हैं। रेवती वरुण के बीच के सभी इमोशनल सीन बेहद अच्छे सामने आए हैं। एक अनुभवी अभिनेत्री होने के नाते रेवती ने दूसरे भाग के दौरान अपने प्रदर्शन में शानदार प्रदर्शन किया। कहानी की दृष्टि से एक बार फिर इसमें कुछ भी नया नहीं है। इंटरवल के बाद फिल्म काफी पूर्वानुमानित हो जाती है और आपको पता होता है कि अंत तक क्या होगा। इंटरवल के बाद भाग के बाद फिल्म बिखर जाती है और कुछ अनावश्यक दृश्य सामने आ जाते हैं। क्लाइमेक्स भी थोड़ा जबरदस्ती से भरा लगता है और बहुत ज्यादा मेलोड्रामा के साथ इसे खींचा भी गया है। फिल्म में कुछ तर्क गायब है क्योंकि फिल्म को और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए प्री क्लाइमेक्स के दौरान माँ बेटे के रिश्ते का खुलासा किया जा सकता था। फिल्म का संगीत बहुत खराब है क्योंकि गाने बिल्कुल भी दर्ज नहीं है। ब्रह्मानंदन की प्रविष्टि और उनके प्रकरण को अनावश्यक रूप से जोड़ा गया है और यह तर्कहीन लगता है। उत्पादन मूल्य काफी अच्छे है। जोधपुर के दृश्य ताजा दिखते है और इन्हें भव्य पैमाने पर फिल्माया गया है। वरुण तेज को शानदार तरीके से स्टाइल किया गया है और वो अपने किरदार के लिए उपयुक्त लगते हैं। पूरी के संवाद अच्छे हैं और संपादन भी अच्छा है। पटकथा काफी अच्छी है और पहले भाग के अधिकांश भाग में टिकी रहती है।
हालांकि दूसरे भाग में एक बिंदु के बाद पूरे विचारों से वंचित हो जाते हैं और कुछ अनावश्यक पदों का परिचय देते हैं, लेकिन वरुण को शानदार तरीके से पेश करने और युवा स्टार से अद्भुत प्रदर्शन कराने का श्रेय पूरी तरह से उन्हें दिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर लोफर एक ऐसी फिल्म है जो वरुण तेज के आत्मविश्वास और करियर के लिए चमत्कार करेगी। दुबला पतला हीरो बड़े पैमाने पर अवतार में शो में धूम मचाता है और लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन पूर्वानुमानित कहानी, जल्दबाजी में आया क्लाइमेक्स और औसत से नीचे का संगीत फिल्म का मूड खराब कर देता है। अंत में लीक से हटकर कुछ भी उम्मीद न करे और इस फिल्म को केवल एक विशिष्ट पूरी कथन, माँ की भावना और वरुण के हरफनमौला प्रदर्शन के लिए मौका दे। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार और G5 पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसी फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। लेकिन अगर आप इसे G5 पर देखते हैं तो आप इसे फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास G5 का सब्सक्रिप्शन है तो। And now no one's going to listen to me, so I'm going to wrap it up quickly and just welcome the person, the lady of the hour, Neha, over to you. Hello. Hi. Okay, thank you everybody. We'll welcome Kareena, and I am just want to introduce and call upon Ms. Vasudha. Please, Vasudha is the chairperson of the Pluck and the board, and I would request her to say, and she's been very passionate about this venture for the last many years. She's passionate about food. She has been guiding us a lot, and I would like her to say a few words before we start. Thank you, Pratik. Hi, everybody. We are so thrilled and super excited to invite Kareena Kapoor Khan, to join us at Pluck for being our brand ambassador and investor. Thank you, Kareena. And a very, very warm welcome to our Pluck family. Thank you, everybody. So Kareena Kapoor is a name that gracefully pirouettes through the corridors of Indian cinema, a shining star in the glittering sky of Bollywood and beyond, an avid advocate of nutrition and wellness. From her debut, as we all know, from Refugee, to the likes of Jab We Met and Kabhi Khushi Kabhi Gum, Kareena lends herself to being a complete woman, a super mom, and an enthusiastic homemaker. Let's get ready to embrace on yet another powerful convergence of two prominent entities as we collaborate into making India's leading digital lifestyle-oriented brand, which upholds for all things fresh. As you all know, Pluck stands for everything fresh, blended with our partnership with Kareena. Let's celebrate each milestone and achievement and set newer benchmarks of excellence and redefine possibilities as we cultivate our novel journey. Let's get plucking together. Cheers. Hello and good afternoon, everyone. I am Neha Kare Kanabar, your host this afternoon, and I'm going to lead you to a very, very interesting conversation with our favorite, Kareena Kapoor Khan and Pratik. So here we begin
But before that, a little introduction about us. We are Unimo Universe of Moms, the world's largest community of mothers with 5.5 lakh mothers constantly chattering. Thank you. That was amazing. Unimo rocks, constantly chattering on WhatsApp, Instagram and Facebook. And today we are very proud to partner with our favorite brand, Pluck. Hi, Kareena. Pleasure to meet you. So guys, I think ye mere manifestation ka ek part tha to sit next to Kareena Kapoor Khan. Can we have a big round of applause for our diva? Let's start with our conversation. Kareena, my first question, of course, is directed to you. We all are dying to hear it from you. Kareena, you have chosen to become an investor with Pluck as well as a brand ambassador. What motivated you to do so? This one is yours. Hi, everybody. Hi to all the fellow mothers out there, which is so, thank you for coming and making my event even more special today. Sorry, I have a really bad sore throat because both my kids at home are sick, so they've passed it on to me. What can I say? I would like to start with that. I think everyone knows that the Kapoor family and me are huge foodies when it comes to khana. Fresh food, fresh ingredients. There's only one thing that comes to mind. And I think everyone knows that I love that. I think people associate good food, good ingredients with me and my family. When Pluck came to me and they had this idea and this approach, I thought that this is something that I personally would like to feel. Because growing up on eating great food, using the freshest of ingredients, now, being a proud homemaker and an actor and a mother of two sons, I search for the freshest of things that I can bring to the table to all the boys in my family, including my husband, who's also, you know, the third boy in the family. So it's something that I'm very passionate about that. I'm very passionate ke kis cheez se khana ban raha hai, kaise ban raha hai, kyun ban raha hai, kis mein ban raha hai, kis cheez se ban raha hai. I think these are all very important aspects when it comes to me in my home, you know. Just before I rush to shoot, I'm like, you know, are you making me a salad? What are we using? Which ingredients are we using? Which salad are we making today? Taimur kya kha raha hai? He loves like, he loves fresh cucumbers and carrots. I pack that in his tiffin every day. And I make sure that, it's like exactly what how I like it. I like it cut in a particular way. I like it. I'm just, a bit anal about all of that. As all the mothers would know, how they are with their children. So when Pluck came to me and they presented me with this idea of the way they get their ingredients, the way they get their fruits and vegetables. People say your plate should be colorful. But actually, I think Pluck promises you that and much, much more. Because I think it's in fact the only, farm to kitchen kind of thing, I would like to say, rather than farm to table, farm to kitchen, where actually you can trace back to the farmer that is actually growing your produce. That's the possibility. I think you can do that through your app. You actually know which farmer, where he has harvested it, kaha grow kiya hai, kaise grow kiya hai, kis temperature mein. They're giving you all the information. So as a family, as a mother, you kind of feel, that you feel responsible to feed your children and you have a certain amount of trust that you have. So I think we're coming from that. So when that was something that really caught my attention and I said that, I want to be a part of this. Also, there's so much out there information about wellness. Everybody's talking about health, wellness, lifestyle. But I think it starts from your kitchen. It starts from home. We can exercise, 108 Surya Namaskars a day, but you have to eat the purest and the freshest of ingredients. It starts there. I think it's a combination. And I've always believed in that. And today, having the two kids around, I got very excited when this project came to me. And obviously, I couldn't say no. And I'm super, super excited for people to, go online, order, download the app, experience and see, there's everything for everyone out there, for a working mother, for a homemaker, for children. There's everything fresh available. There's also DIY kits that you can make,
everything comes packaged and you can do it well. And I feel that if I'm a responsible parent, I would, you know, invest in a company. Of course, I know Vasudha very well, but I would invest in a company that I would, you know, believe in. What my children would eat from, what I would bring to the table. And so I think it's an exciting thing because, you know, you've never really had an actor who would invest so much of time, energy on what they actually, you know, cook at home. You know, yeah, everyone's talking about working out. Everyone's talking about, you know, wellness and everything in today's day and age. But I also feel, if I may say, mental health is a lot to do with what you eat. The cleaner you eat, the better you feel. I live by the mantra that you are what you eat. So Pluck promises you the safest and the freshest ingredients. And, you know, that's something that I'm excited with, you know, being an investor as well for the first time in this together with, you know, the Pluck family. Wow. I think, yes, I think, Kareena, this is what makes you so special. You're such a beautiful and honest person. And here what you shared also was your mom's story angle, and which I think is the most beautiful one. Pratik, my next question is to you. With Kareena Kapoor Khan joining as an investor and a brand ambassador, how do you see her involvement contributing to Pluck's success, especially to build India's first digital commerce platform for lifestyle-oriented fresh fruits and veggies? Yeah, absolutely. So we have been, as I showed you in the previous presentation, very, very passionate about building for the fresh, getting farmers connected to the homes of people across India, and getting them ozone washed and getting different ways to the people. Now, there are two things which I really think how, you know, it will be a big, big change for us, game changer for us with Kareena coming in. One is definitely to get the message out to the people that this is what Pluck stands for, this is what the assortment is available. These are the things which Pluck helps you do. And the second biggest thing is that if I might say, Kareena has been a great nutrition and wellness expert herself. I think she has been on this, working on this in many ways in the last many years. And her guidance and advice, I think, will definitely help us improve our assortment, take it to the next level. And that these are the two main things. And apart from that, there is definitely the business angle, which she might help us in some of these things. Yeah, that's a commendable answer, and I think yes, you have taken a beautiful and a perfect decision by bringing in such an amazing investor and brand ambassador. Can we hear it for Kareena? Shizan. Shizan. Correct. Okay. Yes. Okay. Hi Shizan, how are you? सबसे पहले बात करते हैं आपकी जर्नी के बारे में. आपकी जो जर्नी है ऑडियंस के लिए, आपके साथ साथ आपके ऑडियंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हम आपसे एज अ पब्लिक फिगर बहुत कुछ सीखते हैं. आपके जर्नी के बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे? खतरों के खिलाड़ी आप करके आए हैं, अभी आप फाइनली आउट मतलब बाहर आ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? खतरों की जर्नी बड़ी ही खतरनाक थी, बी वेरी ऑनेस्ट. बड़ी अनएक्सपेक्टेड थी यार. आई थिंक इट वॉज अ परफेक्ट टाइम फॉर मी टू डू दिस शो. ये शो अब से पहले भी, इनफैक्ट अगर मैंने कभी अपने आप से सोचा था कि इफ़ एट ऑल आई डू अ रियलिटी शो तो कौन सा होना चाहिए, तो आई थिंक यही नाम तब भी आया था और ये नसीब में मेरे अब भी आया. तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया करके. इनफैक्ट जब मैंने शो स्टार्ट ही किया था तब आई थिंक मैं उतना एंजॉय नहीं कर पा रहा था बिकॉज आई वॉज इन अ लॉट ऑफ प्रेशर विद माई सेल्फ. बट ग्रेजुअली जब एक एक हफ्ता वहाँ पे बीता एंड आई रियलाइज दैट आई एम डूइंग ओके, तो उसके बाद फिर मैंने उस प्रोसेस को इन्जॉय भी करना शुरू किया. बिकॉज अल्टीमेटली अगर आपने उस प्रोसेस को इन्जॉय नहीं किया देन आई फील के यू मिस्ड आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो इन्जॉयमेंट बहुत ज़रूरी था, तो वो मैंने किया और आई थिंक उतना ही इन्जॉय अब मेरी जो ऑडियंस है वो कर रही है. हफ्ता से हफ्ता जब स्टंट्स टेलीकास्ट होते हैं तो आफ्टर स्टंट मुझे मैसेजेस आते हैं लोगों के, लोग स्क्रीन शॉट्स डाल के देखते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि पीपल आर नाउ एन्जॉइंग द शो. सो आई थिंक मज़ा आया. जब फर्स्ट टाइम आप खतरों के खिलाड़ी का अप्रोच आया आपके पास, तो क्या थॉट था आपके दिमाग में? इट वॉज अ वेरी न्यूट्रल थॉट. कहीं ना कहीं आई थिंक आई वॉज रेडी
कि मैंने बिना सोचे समझे हाँ कर दिया था. मैंने कहा हाँ ठीक है, आई आ रहा है, ठीक है, डन, आई वांट टू डू इट. क्योंकि इतना सोचा नहीं था मैंने कि कैसे करूँगा, क्या करूँगा. इनफैक्ट मेरी प्रिपरेशन भी पूरी नहीं थी. बहुत बहुत ही कम वक्त मिला था मुझे अपने आप को तैयार करने का, क्योंकि वो शो ऐसा है कि वहाँ पर अपने आप को आपको तैयार करना पड़ेगा ले जाने के लिए. यू हैव टू बी फिजिकल, तो क्योंकि इट्स ऑल कभी कभी ऑफकोर्स मेंटली भी आपको हमें स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है, बट लेकिन एज अ फिजिकलिटी में भी कुछ स्टंट आपको अटका देंगे अगर आप उस टाइम पर फिजिकली फिट नहीं हो. तो मुझे उतना वक्त नहीं मिला अपने आप को तैयार करने का, बट मेंटली आई वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. तो मैं उसी के भरोसे चला गया, मैंने कहा चलो जो होगा देख लेंगे. तो आई थिंक वो सहारे के साथ मैं गया और बहुत अच्छी जर्नी मेरी रही. तो मुझे तो बहुत मज़ा आया और जितना भी अपने आप को मैं फिजिकल तैयार कर पाया उसके कुछ नमूने स्टंट के नाम पर देख लिए मेरे ऑडियंस ने. तो बड़ी लोग अब लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे किया आपने वो अर्चना को कंधे पे खड़े रख कितना लंबा स्टंट, थके नहीं आप? एंड तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में. चलो पीपल थिंक्स दैट आई एम स्ट्रांग. बात करते हैं खतरों के खिलाड़ी का, तो सबसे पहला नाम आता है रोहित सर का. तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, वो किस तरीके से, उनसे आपने क्या लर्निंग लिया है, क्या वो जब आप स्टंट करते जाते थे तो किस तरीके से वो एक होता है ना हिम्मत देते हैं, पॉजिटिविटी थ्रू आउट ही देते थे. इनफैक्ट कितनी बार कितनों के साथ ऐसा हुआ है कि ड्यूरिंग द स्टंट ना उम्मीद छूट जाती है कि कैसे होगा. कभी कभी समझ में नहीं आता, कभी कभी डर आप पे हावी हो जाता है, और कभी कभी कुछ चीज़ें अटक जाती हैं. सपोज कोई चाबी कहीं अटक गई या किसी का लॉक कहीं अटक गया, तो इट्स वेरी इजी फॉर देम टू लूज होप. तो उस वक्त में रोहित सर स्टेप इन करते थे और प्रॉपर गाइड करते थे आपको कि शांत रहे, आराम से रहे. पहले तो वो आपको शांति करते थे कि कोई बात नहीं हो जाएगा. वो विश्वास दिलाते हैं आपको कि यू नॉट गोना गेट हर्ट, ऐसी अल्लाह ने करे कोई इंजरी नहीं होने वाली आपकी. एक तो हमारी जो होल टीम थी ऑफ खतरों दे वर अमेजिंग. सिक्योरिटी एक्सपेक्ट से हमारा इतना ध्यान रखा गया है कि अगर आपके सामने आज मैं सिंगल पीस में बैठा हूँ तो उसका एक बहुत बड़ा श्रेय जो है वो हमारी स्टंट टीम को जाता है. एंड रोहित सर हैज़ बीन अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस. इट वॉज अ प्राउड मोमेंट एवरी टाइम वेन वी परफॉर्म स्टंट इन फ्रंट ऑफ हिम. इनफैक्ट जो मेरा पहला स्टंट मैंने उनके सामने जीता था वो गाड़ी का स्टंट था. आई वॉज वेरी हैप्पी कि रोहित सर के सामने, रोहित शेट्टी सर के सामने गाड़ी का स्टंट जीता है मैंने. तो आई वॉज वेरी हैप्पी. अच्छा, ऐसा कौन सा स्टंट था जो आपको देख के लग रहा है कि नहीं नहीं ये बहुत हार्ड है, बट जाके आपको ऐसा लगा कि अरे ये तो फटाक से हो गया, चलो अच्छा. ऐसा मुझे लगा था, ऐसा कौन सा स्टंट था, इधर कौन-कौन से हुए? नहीं, गाड़ी वाला. इट वाज, आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ. गाड़ी वाले के लिए क्या था कि आई वाज कॉन्फिडेंट कि हाँ ये कर दूंगा. क्योंकि एक तो ये था कि उस मोमेंट में अगर वो भी नहीं कर पाता तो सीधा एलिमिनेशन राउंड में जाता और वहाँ तक तो मुझे जाना नहीं था. तो एक कॉन्फिडेंस हमेशा आपको रखना होता है कि ये आप कर लोगे, आपको पता होना चाहिए कि आप कर लोगे. बट लेकिन आई थिंक ऑस्ट्रिच वाला मैं बोलूँगा, ऑस्ट्रिच वाला ऐसा था कि उसमें खाली मुझे उनको डिफिकल्टी उसमें ये थी कि दे वर वेरी फास्ट. अगर आप उनके पास स्पीड में जाओगे ऑस्ट्रिच के पास तो वो भी स्पीड में भागेंगे. एंड दिस नो वे यू कैन मैच टू देयर लेवल, क्योंकि वो पूरा दिन भाग सकते हैं आप में, कभी तो थकान आपको हराएगी. तो आई थिंक दैट ऑस्ट्रिच वाला मुझे लगा कि ईजी था मेरा सबसे. ओके, तो जैसे हम स्क्रीन पे देखते हैं खतरों खिलाड़ी कर, मतलब जीत खिलाड़ी हो गए आप सब खतरों के खिलाड़ी में जाके ऑलरेडी. तो इसमें एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़्यादा देखने मिला, अर्चना हो गए, शिव हो गए, आपका भी कहीं ना कहीं कुछ मतलब एंटरटेनमेंट पार्ट देखने मिला है हमें भी. तो आपका सबसे अच्छा मतलब बॉन्ड जो एक होता है ना कि मतलब एक ग्रुप में एक मस्तीखोर कौन रहा है? एक्चुअली हम सारे जितने भी थे ना माशाल्लाह, एक चीज़ बड़ी अच्छी थी कि हम में किसी में, मेरी अपनी मैं बताऊँ कि मेरी किसी से कोई रंजिश नहीं रही थ्रू आउट द गेम, थ्रू आउट द शो. बिकॉज मेरा ऐसा है कि स्टंट हो गया, नो मैटर व्हाट द रिजल्ट इज, हारे जीते डजंट मैटर, आई एम बैक टू माई सेल्फ. तो एक वो मेरे हमेशा से सोच रही है कि जो भी हो सेट पे छोड़ के आ, जो कि आई थिंक मैंने अपने 10 सालों में किया भी है कि दिन आपका कैसा भी गया आप उस दिन का बोझ अपनी ज़िंदगी में आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, अदरवाइज आप कैसे जियोगे. वो अच्छी बुरी दोनों चीज़ों में आता है. अगर आप कोई स्टंट जीते भी हो तो आप कब तक उस चीज़ का जश्न मनाओगे, अगला स्टंट आपको करना है वापस से, देन अगेन यू आर ऑन जीरो. तो हमारा जो लड़कों का ग्रुप था, हम चार लड़के थे, टीनो, आए, शिव एंड अर्जित, तो यार हमारी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी क्योंकि हम सब एक साथ रहते थे, एक ही वैनिटी में रहते थे, एक ही बाथरूम यूज़ करते थे. कोई चड्डी में घूम रहा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, और जाते तो बहुत मज़ा आता था हमें. इनफैक्ट हम चारों लड़कों को साथ में, क्योंकि हमारी अलग टाइप की चिल होता था, हमारा अलग टाइप की हमारी वो वर्ड में बोलना नहीं चाहता पर वो होती थी समझ गए क्या होती थी. तो अगर मैं बोलूं कि उस ग्रुप में ऑन सेट अगर मज़ा बहुत आया तो हाँ यहाँ मुझे इन लड़कों के साथ मुझे बहुत मज़ा आया.
ओके, बात करते हैं अली बाबा की। तो आपका जो किरदार हमने अली बाबा में देखा है और अभी सीज़न 3 के, मतलब आप ज़्यादातर बच्चों में ज़्यादा फेमस है, आपका कोई भी किरदार जैसे आपको देखा है तो अली बाबा, अली बाबा आपके नाम से नहीं बुलाते, आपके बच्चे काफ़ी बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं आपके, तो कभी आपका वो स्किल अभी वापस हमें वो किरदार देखने मिलेगा अली बाबा सीज़न 3 में? ये मुझे बाखुदा नहीं पता, लेकिन एक चीज़ का मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि बच्चे माशाल्लाह का फैंस रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे खुदा की नेमत है यार। अगर वो किसी इंसान को पसंद कर रहे हैं, भले वो किसी किरदार के थ्रू क्यों ना हो, आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग। बहुत कम लोग होते हैं जो बच्चों के दिल में जगह बना पाते हैं, क्योंकि बच्चे यार प्योर होते हैं, दे नॉट करप्टेड। वो नहीं देखते कि ये इंसान जो ये किरदार प्ले कर रहा है वो कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस खानदान से है या कहाँ से है, कौन से रीजन का है या कौन से रिलीजन का है। बच्चे वो सब नहीं देखते, बच्चे खाली एक किरदार देखते हैं, उन्हें वो इंसान अच्छा लगता है, उन्हें उस शख्स से प्यार हो जाता है, और वही उनकी खूबसूरती है कि वही बच्चे हैं जो किसी आर्टिस्ट को उसके 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 क्राफ्ट के लिए वो अप्रिशिएट करते हैं। सो आई थिंक ये बड़ों को बच्चों से सीखना चाहिए कि हाउ टू अप्रिशिएट एन आर्टिस्ट, दे शुड लर्न फ्रॉम किड्स। सो सीजन यू आर वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि जब एक होता है ना कि घर का जब सपोर्ट मिलता है इंसान को, फिजिकली नहीं मेंटली अगर आप स्ट्रांग रहते हो तो आप लाइफ में हर एक चीज़ कर सकते हो। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, व्हाट योर थॉट्स ऑन दैट? नहीं, ये फैक्ट ही है, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि मेरे कुछ अलग थॉट्स हैं, इसमें मेरे भी ये सेम थॉट्स हैं कि आपकी फैमिली ही आपका सबसे बड़ा सपोर्ट होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि सी अल्टीमेटली हर इंसान की ज़िंदगी में ना एक मोमेंट ऐसा आता है कि जहाँ पे उसको अपनी फैमिली से भी थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है। मतलब आपकी फैमिली स्ट्रांग है, बट आपको अपनी फैमिली से भी ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी तकलीफ़ आपके घर वाले देख नहीं सकते, आपके घर वाले आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकते। तो अगर मैं मसलन मैं अपनी अम्मा को कोई मेरे दिन की ऐसी शूटिंग की अगर मैं कोई ऐसी बात बताऊँ तो मुझे चोट लग गई, विच इज़ नॉर्मल फॉर मी, बट आई एम श्योर कि मेरी माँ उस चीज़ को देख नहीं पाएगी। लेकिन उस मोमेंट तक आना कि मैं अपने आप को ये बोलूँ कि ये जो चोट लगी नॉर्मल है मेरे लिए, दैट इज़ मी बीइंग स्ट्रांग। वो मुझे मेरे घर ने बनाई है, वो मुझे मेरे घर वालों ने मुझे यहाँ तक लाया कि मुझे पता है कि ये चीज़ें हैं मेरे लिए विच इज़ नॉर्मल, आई कैन हैंडल दैट। तो वो कॉन्फिडेंस ही आपके आपके घर वाले आपको देते हैं। तो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने घर वालों के साथ एक एक बहुत अच्छे टर्म पर रहो। लोग अलग भी रहते हैं अपने माँ बाप से अक्सर, उनकी अपनी इक्वेशंस होती हैं, बट कहीं भी रहो, बट मेरा ये मानना है कि एक एक म्यूचुअल एक इज्जत रखो एक दूसरे के बीच में, एक एक मेंटल अंडरस्टैंडिंग रखो कि सिर्फ आपकी ही मेंटल हेल्थ नहीं है, आपके घर वालों की भी मेंटल हेल्थ है कि उन पे क्या इफेक्ट होगा। जब ये चीज़ें आप सामने वाले को कंसिडरेशन में लेके लेंगे तो आई थिंक वो चीज़ें आपको ज़्यादा स्ट्रांग बनाएंगी, ज़्यादा वाइजर बनाएंगी। ओके, बात करते हैं बिग बॉस की। फलक दी भी गई थी वहाँ पे, वो दी बन चुकी है एक्चुअली, जब से वो आपके डिफ़िकल्ट टाइम से साथ में हैं, हम एज अ ऑडियंस भी उन्हें दी जैसे ही देख रहे हैं, और उनका जो उनके अंदर क्वालिटी है दी वाला, क्योंकि उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनका जो गेम हमने देखा है और जिस तरीके से मतलब एंड हुआ, जो जब वो बाहर आई उन्होंने जो रिलेशन बनाया है इनसाइड, वो पूरा मतलब प्योर दिखता है ऑडियंस को, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? वही है कि जो ऑडियंस को दिखता है वो, क्योंकि वो ऐसा है तो ही ऐसा दिख रहा है ना। अब आप ही ने किसी भी गिवन पॉइंट पे कुछ अलग करने का ट्राई नहीं किया, शी डिडंट ट्राई टू बी समबडी एल्स। तो किसी भी गिवन पॉइंट पे शी डिडंट ट्राई टू बी समबडी एल्स। उनका गेम लोगों ने बोला कि आप ही दिख के नहीं आ रही हैं या फिर कुछ एक्टिव नहीं है, पता नहीं उनको क्यों ऐसा लगा, क्योंकि शो से उनके निकलने के बाद भी 3-4 हफ्ते तक उन्हीं की बातें हो रही थी शो में, और आई डोंट थिंक कि किसी और कंटेस्टेंट की उनके शो से निकलने के बाद शो में बातें हों, ऐसा तो नॉर्मली होता है नहीं। सो आई एम प्रीटी श्योर शी मस्ट हैव डन समथिंग इन द शो, कि उनकी वो सच्चाई ही थी जो उनके जाने के बाद भी लोगों को याद रही, एंड आई थिंक दैट व्हाट मैटर्स द मोस्ट। बाकी उनके गेम प्ले के बारे में सलमान सर ने कहा था कि बहुत खूबसूरती के साथ आप खेली, वोट आउट से तो वो आउट हुई ही नहीं, उनको घर वालों ने ही वोट आउट किया था। तो आई थिंक हर कोई इंटिमिडेट होता है किसी स्ट्रॉन्ग को देख के, तो गिवन द चॉइस जैडन है एंड आप ही, तो उस टाइम पे उन घर वालों को लगा शायद ये ज़्यादा स्ट्रांग है तो रवाना करो, तो उन्होंने वो किया। और खुद सलमान ने सर ने भी ये बात कही थी कि जो खेलना चाहता है आप उसको भेजना चाहते हैं और जो नहीं खेलना चाहता आप उसको रुकना चाहते हैं, दैट वेरी मच शोज व्हाट काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन यू लुकिंग फॉर। ओके, आफ्टर फलक दी आउट हो गई है तो उसके बाद आप किसे मतलब बिग बॉस में किसे सपोर्ट कर रहे हैं, या आप चाहते हैं ये जीते, इनका गेम अच्छा है?
पूजा मैम का गेम बहुत अच्छा है. शी हैज बीन उनके लिए, क्योंकि देखो क्या है कि आई थिंक शी इज समबडी विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड उनके लिए भी जितना नया था ये आई थिंक उनकी पर्सपेक्टिव से भी हमें सोचना चाहिए कि इट इज ऑल वेरी न्यू फॉर हर एंड येट शी डिड दैट. एंड वो वही बातें बोली हैं जो उनका एक स्टैंड रहे उनके शुरू से, जो उनके थॉट प्रोसेस हैं वो बड़े क्लियर रहे. उन्होंने एक बात बोली थी जो मैंने सुना भी था कि इट्स बेटर टू विन विद डिग्निटी, के यू शुड बी यू नो डिग्निटी के साथ जीतो तो मज़ा है, ऐसे गंदगी के साथ खेल के जीत भी जाओ तो मतलब नहीं है. तो ये उनकी सोच है. तो आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर एक पॉजिटिव भी होना ही चाहिए. बाकी है उन तो मैं क्या ही बोलूँ कि जो जैसा है वैसा है. एल्विश लेकिन अलबत्ता उन मामलों में बड़ा अच्छा है कि उसमें एटलीस्ट एक समझ है कि वो चीज़ों को एक्सेप्ट भी करता है. जिस इंसान में एक्सेप्टेंस है आई थिंक उसने आधी जीत तो वैसे भी कर ली, फिर आधा तो वो वैसे ही जीत गया अगर उसने एक्सेप्ट ही कर लिया कुछ चीज़ों को. तो दैट गाय हैज़ ग्राउंड, उसके अंदर अच्छा ग्राउंड है. तो आई रियली लाइक या तो इधर पूजा मैम शुड विन और इधर एल्विश शुड विन अकॉर्डिंग टू मी. ओके, बिग बॉस नेक्स्ट सीजन में आपका नाम आ रहा है, तो कितना इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर ये हुआ आपके पास अप्रोच आए तो आप करना चाहोगे? ये इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने आज ही आप सबके मुँह से सुनी है ये बात. बाकी बात रही कि क्या करना चाहूँगा या नहीं, आई थिंक फ्यूचर पे ही छोड़ते हैं इस बात को, क्योंकि मुझे इस बात का मेरे पास अभी जवाब है नहीं. लेकिन इफ़ गिवन द चॉइस एक्टिंग अगर मुझे मिलेगी तो मैं अपने अंदर के एक्टर को वापस लाना चाहूँगा, क्योंकि बच्चे बिग बॉस देख कर बिगड़ ही जाएंगे. ओके, लास्ट मैसेज टू योर फैंस, ऑडियंस और स्पेशली चिल्ड्रन, क्योंकि अलीबाबा से आपका जो किरदार लोगों को पसंद आया है और स्पेशली बच्चों को जो पसंद आया, क्योंकि जब आप खतरों के खिलाड़ी में गए थे तो वो आपका नाम से रिकॉग्नाइज नहीं करते, अलीबाबा वाला गया है. करेक्ट. तो दैट्स, हाँ, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, मैसेज क्या देना चाहेंगे? well, आप सबको बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू कि आप लोगों ने उस किरदार को इतना ज़्यादा प्यार दिया कि आज भी आप लोग मुझे उस नज़र से देखते हैं. स्टंट्स जब भी आते हैं तो मुझे एक्चुअली मैसेज आता है कि आज बाबा ने ऐसा किया, आज बाबा ने वैसा किया, तो बड़ा अच्छा लगता है. ऐसा लगता है कि अली बाबा एक्चुअली में वहाँ पे, मैं भी उस चीज़ को देखता हूँ तो कभी कभी मुझे भी लगता है कि इज इट. बट बहुत आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि मुझे वो प्यारी प्यारी सोल्स जो बच्चे हैं जो हैं एक्चुअली फैंस, जो मुझे सड़क पर भी चलता हूँ तो अली बाबा बुला देते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार. एंड आई एम ट्रूली ग्लैड एंड ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव दीज एज माई सपोर्टर्स. Yeah, I have the most purest audience ever. So thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Sharma. वरुण तेज की फिल्म लोफर देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू. फिल्म की कहानी साथ ही जाने कहाँ देखी इसे फ्री में. फिल्म की कहानी काफी सिंपल है. एक अहंकारी और गैर जिम्मेदार पिता अपनी पत्नी से अलग हो जाता है और अपने बेटे राजा को उससे दूर ले जाता है. राजा बड़ा होकर अपने पिता की तरह लोफर बन जाता है और मानता है कि वो एक मातृहीन बच्चा है. जैसे जैसे समय बीतता है राजा को मोनी से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता से बहुत बड़ा खतरा है. राजा तब मोनी को मुक्त करने का फैसला करता है और जब वो ऐसा करने वाला होता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ अभी भी जीवित है और सीधे तौर पर मोनी और उसकी समस्याओं से संबंधित है. राजा अपनी माँ का सामना कैसे करेगा, उसकी माँ का दिशा से क्या संबंध है और राजा इन सभी समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, यही कहानी का बाकी हिस्सा बनता है. लोफर निश्चित रूप से वरुण के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी. यह साबित करता है कि वरुण एक व्यापक भूमिका निभा सकते हैं और गानों और झगड़ों में सभी को प्रभावित कर सकते हैं. यह दुबला पतला हीरो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में एक बड़ा स्टार होगा और इसे शानदार तरीके से प्रदर्शित किया गया है. वरुण के कद, स्क्रीन उपस्थिति और भावात्मक प्रदर्शन को पूरी ने उत्कृष्ट रूप से प्रदर्शित किया है. फिर भी फिल्म की एक और प्रमुख संपत्ति पोसानी कृष्ण मुरली है. अनुभवी अभिनेता ने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है और एक चतुर पिता के रूप में शानदार हंसी पैदा की है. यह उनके लिए एक विशेष भूमिका है और वरुण तेज के साथ पोसानी की केमिस्ट्री काफी अच्छी है. दिशा पटानी आत्मविश्वास से भरी शुरुआत करती है और स्क्रीन पर अच्छी लगती है. फर्स्ट हाफ इंटरवल धमाकेदार काफी अच्छे है और तेज गति से आगे बढ़ते है. रेवती वरुण के बीच के सभी इमोशनल सीन बेहद अच्छे सामने आए है. एक अनुभवी अभिनेत्री होने के नाते रेवती ने दूसरे भाग के दौरान अपने प्रदर्शन में शानदार प्रदर्शन किया. कहानी की दृष्टि से एक बार फिर इसमें कुछ भी नया नहीं है. इंटरवल के बाद फिल्म काफी पूर्वानुमानित हो जाती है और आपको पता होता है कि अंत तक क्या होगा. इंटरवल के बाद भाग के बाद फिल्म बिखर जाती है और कुछ अनावश्यक दृश्य सामने आ जाते हैं. क्लाइमेक्स भी थोड़ा जबरदस्ती से भरा लगता है और बहुत ज्यादा मेलोड्रामा के साथ इसे खींचा भी गया है.
फिल्म में कुछ तर्क गायब है क्योंकि फिल्म को और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए प्री क्लाइमेक्स के दौरान माँ बेटे के रिश्ते का खुलासा किया जा सकता था। फिल्म का संगीत बहुत खराब है क्योंकि गाने बिल्कुल भी दर्ज नहीं है। ब्रह्मानंदन की प्रविष्टि और उनके प्रकरण को अनावश्यक रूप से जोड़ा गया है और यह तर्कहीन लगता है। उत्पादन मूल्य काफी अच्छे है। जोधपुर के दृश्य ताजा दिखते हैं और इन्हें भव्य पैमाने पर फिल्माया गया है। वरुण तेज को शानदार तरीके से स्टाइल किया गया है और वो अपने किरदार के लिए उपयुक्त लगते हैं। पूरी के संवाद अच्छे हैं और संपादन भी अच्छा है। पटकथा काफी अच्छी है और पहले भाग के अधिकांश भाग में टिकी रहती है। हालांकि दूसरे भाग में एक बिंदु के बाद पूरी विचारों से वंचित हो जाते हैं और कुछ अनावश्यक पदों का परिचय देते हैं, लेकिन वरुण को शानदार तरीके से पेश करने और युवा स्टार से अद्भुत प्रदर्शन कराने का श्रेय पूरी तरह से उन्हें दिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर लोफर एक ऐसी फिल्म है जो वरुण तेज के आत्मविश्वास और करियर के लिए चमत्कार करेगी। दुबला पतला हीरो बड़े पैमाने पर अवतार में शो में धूम मचाता है और लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन पूर्वानुमानित कहानी, जल्दबाजी में आया क्लाइमेक्स और औसत से नीचे का संगीत फिल्म का मूड खराब कर देता है। अंत में लीक से हटकर कुछ भी उम्मीद न करे और इस फिल्म को केवल एक विशिष्ट पूरी कथन, माँ की भावना और वरुण के हरफनमौला प्रदर्शन के लिए मौका दे। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार और G5 पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसी फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। लेकिन अगर आप इसे G5 पर देखते हैं तो आप इसे फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास G5 का सब्सक्रिप्शन है तो। वरुण तेज की फिल्म लोफर देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म की कहानी साथ ही जाने कहाँ देखी इसे फ्री में। फिल्म की कहानी काफी सिंपल है। एक अहंकारी और गैर जिम्मेदार पिता अपनी पत्नी से अलग हो जाता है और अपने बेटे राजा को उससे दूर ले जाता है। राजा बड़ा होकर अपने पिता की तरह लोफर बन जाता है और मानता है कि वो एक मातृहीन बच्चा है। जैसे जैसे समय बीतता है राजा को मोनी से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता से बहुत बड़ा खतरा है। राजा तब मोनी को मुक्त करने का फैसला करता है और जब वो ऐसा करने वाला होता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ अभी भी जीवित है और सीधे तौर पर मोनी और उसकी समस्याओं से संबंधित है। राजा अपनी माँ का सामना कैसे करेगा, उसकी माँ का दिशा से क्या संबंध है और राजा इन सभी समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, यही कहानी का बाकी हिस्सा बनता है। लोफर निश्चित रूप से वरुण के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। यह साबित करता है कि वरुण एक व्यापक भूमिका निभा सकते हैं और गानों और झगड़ों में सभी को प्रभावित कर सकते हैं। यह दुबला पतला हीरो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में एक बड़ा स्टार होगा और इसे शानदार तरीके से प्रदर्शित किया गया है। वरुण के कद, स्क्रीन उपस्थिति और भावात्मक प्रदर्शन को पूरे ने उत्कृष्ट रूप से प्रदर्शित किया है। फिर भी फिल्म की एक और प्रमुख संपत्ति पोसानी कृष्ण मुरली है। अनुभवी अभिनेता ने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है और एक चतुर पिता के रूप में शानदार हंसी पैदा की है। यह उनके लिए एक विशेष भूमिका है और वरुण तेज के साथ पोसानी की केमिस्ट्री काफी अच्छी है। दिशा पटानी आत्मविश्वास से भरी शुरुआत करती है और स्क्रीन पर अच्छी लगती है। फर्स्ट हाफ इंटरवल धमाकेदार काफी अच्छे है और तेज गति से आगे बढ़ते हैं। रेवती वरुण के बीच के सभी इमोशनल सीन बेहद अच्छे सामने आए हैं। एक अनुभवी अभिनेत्री होने के नाते रेवती ने दूसरे भाग के दौरान अपने प्रदर्शन में शानदार प्रदर्शन किया। कहानी की दृष्टि से एक बार फिर इसमें कुछ भी नया नहीं है। इंटरवल के बाद फिल्म काफी पूर्वानुमानित हो जाती है और आपको पता होता है कि अंत तक क्या होगा। इंटरवल के बाद भाग के बाद फिल्म बिखर जाती है और कुछ अनावश्यक दृश्य सामने आ जाते हैं। क्लाइमेक्स भी थोड़ा जबरदस्ती से भरा लगता है और बहुत ज्यादा मेलोड्रामा के साथ इसे खींचा भी गया है। फिल्म में कुछ तर्क गायब है क्योंकि फिल्म को और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए प्री क्लाइमेक्स के दौरान माँ बेटे के रिश्ते का खुलासा किया जा सकता था। फिल्म का संगीत बहुत खराब है क्योंकि गाने बिल्कुल भी दर्ज नहीं है। ब्रह्मानंदन की प्रविष्टि और उनके प्रकरण को अनावश्यक रूप से जोड़ा गया है और यह तर्कहीन लगता है। उत्पादन मूल्य काफी अच्छे है। जोधपुर के दृश्य ताजा दिखते है और इन्हें भव्य पैमाने पर फिल्माया गया है। वरुण तेज को शानदार तरीके से स्टाइल किया गया है और वो अपने किरदार के लिए उपयुक्त लगते हैं। पूरी के संवाद अच्छे हैं और संपादन भी अच्छा है। पटकथा काफी अच्छी है और पहले भाग के अधिकांश भाग में टिकी रहती है। हालांकि दूसरे भाग में एक बिंदु के बाद पूरी विचारों से वंचित हो जाते हैं और कुछ अनावश्यक पदों का परिचय देते हैं, लेकिन वरुण को शानदार तरीके से पेश करने और युवा स्टार से अद्भुत प्रदर्शन कराने का श्रेय पूरी तरह से उन्हें दिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर लोफर एक ऐसी फिल्म है जो वरुण तेज के आत्मविश्वास और करियर के लिए चमत्कार करेगी। दुबला पतला हीरो बड़े पैमाने पर अवतार में शो में धूम मचाता है और लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन पूर्वानुमानित कहानी, जल्दबाजी में आया क्लाइमेक्स और औसत से नीचे का संगीत फिल्म का मूड खराब कर देता है।
अंत में लीक से हटकर कुछ भी उम्मीद न करें और इस फिल्म को केवल एक विशिष्ट पूरी कथन, माँ की भावना और वरुण के हरफनमौला प्रदर्शन के लिए मौका दे। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार और G5 पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसी फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। लेकिन अगर आप इसे G5 पर देखते हैं तो आप इसे फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास G5 का सब्सक्रिप्शन है तो। वरुण तेज की फिल्म लोफर देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म की कहानी साथ ही जाने कहाँ देखी इसे फ्री में। फिल्म की कहानी काफी सिंपल है। एक अहंकारी और गैर जिम्मेदार पिता अपनी पत्नी से अलग हो जाता है और अपने बेटे राजा को उससे दूर ले जाता है। राजा बड़ा होकर अपने पिता की तरह लोफर बन जाता है और मानता है कि वो एक मातृहीन बच्चा है। जैसे जैसे समय बीतता है राजा को मोनी से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता से बहुत बड़ा खतरा है। राजा तब मोनी को मुक्त करने का फैसला करता है और जब वो ऐसा करने वाला होता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ अभी भी जीवित है और सीधे तौर पर मोनी और उसकी समस्याओं से संबंधित है। राजा अपनी माँ का सामना कैसे करेगा, उसकी माँ का दिशा से क्या संबंध है और राजा इन सभी समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, यही कहानी का बाकी हिस्सा बनता है। लोफर निश्चित रूप से वरुण के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। यह साबित करता है कि वरुण एक व्यापक भूमिका निभा सकते हैं और गानों और झगड़ों में सभी को प्रभावित कर सकते हैं। यह दुबला पतला हीरो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में एक बड़ा स्टार होगा और इसे शानदार तरीके से प्रदर्शित किया गया है। वरुण के कद, स्क्रीन उपस्थिति और भावात्मक प्रदर्शन को पूरे ने उत्कृष्ट रूप से प्रदर्शित किया है। फिर भी फिल्म की एक और प्रमुख संपत्ति पोसानी कृष्ण मुरली है। अनुभवी अभिनेता ने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है और एक चतुर पिता के रूप में शानदार हंसी पैदा की है। यह उनके लिए एक विशेष भूमिका है और वरुण तेज के साथ पोसानी की केमिस्ट्री काफी अच्छी है। दिशा पटानी आत्मविश्वास से भरी शुरुआत करती है और स्क्रीन पर अच्छी लगती है। फर्स्ट हाफ इंटरवल धमाकेदार काफी अच्छे है और तेज गति से आगे बढ़ते है। रेवती वरुण के बीच के सभी इमोशनल सीन बेहद अच्छे सामने आए है। एक अनुभवी अभिनेत्री होने के नाते रेवती ने दूसरे भाग के दौरान अपने प्रदर्शन में शानदार प्रदर्शन किया। कहानी की दृष्टि से एक बार फिर इसमें कुछ भी नया नहीं है। इंटरवल के बाद फिल्म काफी पूर्वानुमानित हो जाती है और आपको पता होता है कि अंत तक क्या होगा। इंटरवल के बाद भाग के बाद फिल्म बिखर जाती है और कुछ अनावश्यक दृश्य सामने आ जाते हैं। क्लाइमेक्स भी थोड़ा जबरदस्ती से भरा लगता है और बहुत ज्यादा मेलोड्रामा के साथ इसे खींचा भी गया है। फिल्म में कुछ तर्क गायब है क्योंकि फिल्म को और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए प्री क्लाइमेक्स के दौरान माँ बेटे के रिश्ते का खुलासा किया जा सकता था। फिल्म का संगीत बहुत खराब है क्योंकि गाने बिल्कुल भी दर्ज नहीं है। ब्रह्मानंदन की प्रविष्टि और उनके प्रकरण को अनावश्यक रूप से जोड़ा गया है और यह तर्कहीन लगता है। उत्पादन मूल्य काफी अच्छे है। जोधपुर के दृश्य ताजा दिखते है और इन्हें भव्य पैमाने पर फिल्माया गया है। वरुण तेज को शानदार तरीके से स्टाइल किया गया है और वह अपने किरदार के लिए उपयुक्त लगते है। पूरी के संवाद अच्छे है और संपादन भी अच्छा है। पटकथा काफी अच्छी है और पहले भाग के अधिकांश भाग में टिकी रहती है। हालांकि दूसरे भाग में एक बिंदु के बाद पूरी विचारों से वंचित हो जाते हैं और कुछ अनावश्यक पदों का परिचय देते हैं। लेकिन वरुण को शानदार तरीके से पेश करने और युवा स्टार से अद्भुत प्रदर्शन कराने का श्रेय पूरी तरह से उन्हें दिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर लोफर एक ऐसी फिल्म है जो वरुण तेज के आत्मविश्वास और करियर के लिए चमत्कार करेगी। दुबला पतला हीरो बड़े पैमाने पर अवतार में शो में धूम मचाता है और लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन पूर्वानुमानित कहानी, जल्दबाजी में आया क्लाइमेक्स और औसत से नीचे का संगीत फिल्म का मूड खराब कर देता है। अंत में लीक से हटकर कुछ भी उम्मीद न करें और इस फिल्म को केवल एक विशिष्ट पूरी कथन, माँ की भावना और वरुण के हरफनमौला प्रदर्शन के लिए मौका दे। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार और G5 पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसी फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। लेकिन अगर आप इसे G5 पर देखते हैं तो आप इसे फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास G5 का सब्सक्रिप्शन है तो। सर मैं यहाँ पर बढ़िया सर यहाँ पर विद्युत मैम तो क्या हो जाएगा भाई? जब अंदर जाना होगा तब चले जाना, लेकिन अभी तो यहाँ आ जाए मैम का सोलो के साथ। मैम इधर देखिए ना, मैम से राइट मैम पूरा मुंह आ रहा है मेरे। नाउ स्टेडियम ने अनुपमा जी देखो मैम यहां पर। अनुपमा जी सर मैम इधर देखिए। अरे मैम आई नो वन
ब्रदर आपका ये आ रहा है, ये नहीं अरे पूरा ही मेरे पास नहीं धरा सर यहाँ पर सर ये पोस्टर पे हाँ पीछे हो थोड़ा ये कपूर साहब कपूर साहब यहाँ पर सर आगे क्यों जा रहा है जूम कर सर एक बार यहाँ पर कपूर साहब ये देखिए कपूर सर एक बार सर इसके साथ थैंक यू ना बस ओके रुके सर आ रहे विदु सर आए चोपड़ा सर किधर है बैग सब पीछे रखा हो सबसे पहले संकल्प जी एंड अर्पिता जी कांग्रेचुलेशंस गाने को लेके जैसा 1.2 लाख व्यूज मैंने जब लास्ट टाइम देखा शुरुआत करूंगा कंपोज से आपके मन में ये जो लिरिक्स है या फिर कंपोजिशन है कैसा हुआ और क्या कुछ इस गाने को लेके रिस्पॉन्स अब तक कैसे आया एक्चुअली एक लिरिसिस्ट हैं दो लोग हैं वो रवि और राकेश तो ये लोग मेरे पास ये सॉन्ग लिखकर ले आए थे और जब इन्होंने मुझे दिखाया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा फिर कंपोजिशन की बात आई तो मैंने अपना टाइम लेकर उसको कंपोज किया कंपोजिशन रेडी हुई फिर एक स्ट्रक्चर रेडी करके हम लोगों ने सबको सुनाया तो एक जो जनरल ओपिनियन लिया जाता है वो ओपिनियन सबसे लेकर हमने काम को और आगे बढ़ाया और फिर हमने सुनाया आयरिस म्यूजिक को उनको बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा इसको करते right. तो आकाश वशिष्ठ जी से मेरी इस बारे में बात हुई फिर मैंने उनको सजेशन दिया कि मेरे हिसाब से ये अमित मिश्रा और अर्पिता मुखर्जी की आवाज़ में बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेगा तो उन्होंने उसके बारे में गौर किया और उन्होंने बोला कि हाँ आप काम स्टार्ट करिए इसके ऊपर तो बस यही जर्नी थी मैंने अर्पिता जी और अमित को दोनों को भेजा सॉन्ग उन सबको भी बहुत पसंद आया फिर बस इन लोगों ने अपना अपनी सोल और डाल दी तो वो गाना और निखर गया गाने की अगर मैं बात करूँ मुझे आज भी ऐसा लगता है कि जो गाने का जो दिल रहता है कि अगर गाना बॉडी है तो कंपोजिशन उसका दिल होता है अगर मैं आज भी एक गाना है पॉपुलर गाना चांद तारे जो शाहरुख साहब के है ऐसा लगता है उनकी पूरी बायोपिक है उस गाने में शाहरुख साहब की वो गाना कंपोज किया था जावेद सर ने उन्होंने इतने अच्छे से कंपोज किया तो जो जो इम्पोर्टेंट हो जाती है कंपोजिशन की वो काफी इम्पोर्टेंट हो जाती है तो आपके मन में जब शुरुआत आपने की थी एज अ कंपोजिशन तो क्या कुछ मन में था कोई आपके आइडियल थे या फिर जावेद साहब को एज एन आइडियल आपने देखा था शुरुआती दिनों में एज अ लिरिसिस्ट जावेद जी मुझे बहुत पसंद है गुलजार मुझे बहुत पसंद है तो हाँ मैं लिरिक्स में अगर कहीं पे भी जाता हूँ कुछ सोचता हूँ तो मेरे जब मेरे वो पसंदीदा लोग होते हैं वो सबसे पहले जहन में आते हैं और ये कंपोज किया है जतिन ललित जी वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो कहीं ना कहीं देखिए जब कंपोजिशन और लिरिक्स की बात होती है तो वो स्टार्ट जो होता है जो उसका फील होता है जो उसकी आत्मा होती है वो अगर आप समय देकर उस पर अच्छा काम करके अगर रेडी करते हैं तो वो कहीं ना कहीं मेलेडी आगे जब लोगों तक पहुंचती है तो आप धैर्य रखिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है एक म्यूजिशियन के लिए एक क्रिएटिव इंसान के लिए लेकिन बस यही है उसी पेशेंस के साथ में अगर आप दर्शकों तक पहुंचाएंगे तो दर्शक मतलब आजकल कुछ भी पसंद करते हैं लेकिन ये भी पसंद करते हैं ये इनफैक्ट पसंद किया जा रहा है मैं कमेंट भी पढ़ रहा था एक अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों की तरफ से अर्पिता जी आपसे शुरुआत करूंगा जब गाना आप तक पहुंचा एज ए सिंगर आप किस तरह से प्रिपरेशन रहती है आपकी कोई भी गाने को लेकर जब हम गाना पहली बार देखिए गाने से जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है सबसे पहले तो एक आर्टिस्ट का तो पहली चीज़ जो हम कोई भी गाना जब हमको आता है सुनाया जाता है तो पहले हम लोग लिरिक्स पे
ध्यान देते हैं कि क्या है गाना, सिचुएशन क्या है, किस पे पिक्चराइज किया जा रहा है, गाने का सोल क्या है, रोमांटिक है, सैड है, पूरा सिचुएशन समझ के उसके बाद में उस गाने पे काम होता है. और एक अच्छी बात ये होती है कि जब कंपोजर का भी माइंड बहुत क्लियर होता है ना, कि उनको पता है गाने का विजन क्या है, तो आर्टिस्ट के लिए उसको डिलीवर करना और इजी हो जाता है, विच इज़ समथिंग जो बहुत स्पेशल है संकल्प की एक क्वालिटी, कि वो जब गाना बनाते हैं तो वो वॉइस को भी ध्यान में रखते हुए बनाते हैं. तो जिस आर्टिस्ट की वॉइस होगी और वो गाना क्या है, क्या कहना चाह रहा है, कहाँ पे उनको हस्की वोकल चाहिए, कहाँ पे शार्प चाहिए, कहाँ क्या चाहिए, वो बहुत क्लीन उनके दिमाग में एक मैप रहता है, एक ग्राफ रहता है, और उसको डिलीवर करना प्रोफेशनली हमारा काम है. बट इट इज़ अ प्रोसेस जो कि ऑफकोर्स फॉर मी प्रिपरेशन वहाँ पे आती है कि यू जस्ट फर्स्ट अपने आप को उस गाने में ढालिए और कंपोजर का जो विजन है उसको समझिए और उसको डिलीवर कीजिए. दैट इज व्हाट आई ट्राई टू डू इफेक्टिवली. ये गाने की मैं बात करूँ स्पेशली जो एल्बम में लेबल में ये जो गाना है काफी फ्रेश है लेबल, काफी कम गाने आए अब तक, तो ये जो मन में रहता है कि कैसा रिस्पॉन्स आएगा, क्या कुछ ऑडियंस को ये लेबल के एक रहती है टारगेट सेट ऑडियंस रहती है कोई भी लेबल की, टी सीरीज हो या फिर बड़े बड़े ऐसे लेबल की, ये इसमें अब टारगेट सेट होना चाहिए, तो ये आपके मन में चलता है एज अ सिंगर कि हाँ अगर मैं ये चीज डिलीवर करती हूँ तो इसकी ऑडियंस इस तरह से आएगी, एक फ्रेश पैर मिलेगा, एक फ्रेश सिंगर मिलेगा, एक फ्रेश लिरिसिस्ट मिलेगा, तो ये आपके मन में कभी रहता है ये सवाल? मुझे लगता है डेफिनेटली एक बात तो यह है, देखिए अच्छा म्यूजिक कहीं ना कहीं रीच करेगा जरूर, वो अपनी टारगेट तक पहुंचेगा, बिकॉज आज ऐसा टारगेट डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है मुझे लगता है आज के दौर में, क्योंकि म्यूजिक अब बहुत एप्स में अवेलेबल है, सब कुछ फोन पर अवेलेबल है, तो अच्छा म्यूजिक अगर होगा कहीं ना कहीं कोई ना कोई उससे जुड़ेगा जरूर, एक वो बन जाता है. तो इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम कॉन्शियसली टारगेटिंग, मेरा कॉन्शियस टारगेट ये रहता है कि मैं अच्छे गाने गाऊं, ऐसे गाने गाऊं जो कुछ कहने की कोशिश करते हैं, जो एक रूह वाली बात होती है, चाहे वो सैड गाना हो, चाहे वो रोमांटिक गाना हो, कोई भी गाना हो, अगर मेलेडी है तो मेलेडी कहीं ना कहीं जरूर दिल को छूती है और वो ऑडियंस को हिट करेगी ही, तो मेरा वही टारगेट रहता है. जी जी, आजकल एक ऐसा दौर चल रहा है, दो ही दौर चल रहे हैं, एक तो जो पुराने गाने को नए गाने करके रिमिक्स कर रहे हैं और एक जो ये दौर है इंडिपेंडेंट गाने को लेके. एज अ इंडिपेंडेंट सिंगर हाउ ब्लेस्ड डू यू फील टू बी इन दैट एरा? आई जेन्युइनली फील ब्लेस्ड एंड ऑनेस्टली मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक में फर्क क्यों हो जाता है कि इट इज एन आर्टिस्ट सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन भी है और दूसरी चीज आप एक नई चीज पे काम कर रहे हैं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बनी हुई है, जो बनी हुई है उसकी फ्रेशनेस अपने आप में इंटैक्ट है, लेकिन वो चीज बन चुकी है और उसे मेरे ख्याल अनछुआ छोड़ देना ही बेटर रहता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई एम नॉट लाइक मैं यहाँ पे क्रिटिकल उसमें नहीं बोल रही हूँ, बट मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि जो क्लासिक्स हैं जो बन चुके हैं वो किसी और का क्रिएटिव प्रोसेस है, क्रिएटिव थॉट है, वो गाने एक बन चुके हैं और वो हमारे जहन में बैठे हुए हैं, तो उनके साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना करते हुए बेटर है कि क्योंकि म्यूजिक एक क्रिएटिव प्रोसेस है, आप नए गाने बनाइए, नई चीजें तैयार कीजिए और उनमें अपने आप को जब आप ढालेंगे तब आपकी अपनी आइडेंटिटी निखर कर आएगी, वो मेरी अपनी पर्सनल इंडिविजुअल आइडेंटिटी होगी, मेरी आवाज होगी, मैं क्या कहना चाह रही हूँ वो चीज आगे होगी, बुलंद होगी. चल बादल बादल को लेके आपका इनपुट क्या था जब आपने ये गाने को लिरिक्स में देखा, कोई आपका जो इनपुट था कि आपको लगा कि हाँ ये अगर इस वे में जाता है गाना तो ऑडियंस के दिल को और छुएगा, कुछ ऐसा इनपुट अगर आप शेयर करना चाहो? इसमें पहले मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि मैं इसके इंस्ट्रूमेंटेशन मैं कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करूं जो कि एक यूथ तक भी पहुंचे और एक मेलेडी सुनने वाला जो अप्रिशिएट करता है मेलेडीज को, जिसको पता है कि हाँ एक रोमांटिक सॉन्ग में कैसी मेलेडी होनी चाहिए, वो भी उसको उस तक पहुंचे. तो मैंने इसके अंदर गिटार का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखा, गिटार और जो बैकिंग है पूरी वो मेन मेजरली गिटार पर रखी है, सो दैट आजकल आपने देखा होगा आजकल के जो बच्चे हैं यंग जनरेशन है वो गिटार कंधे पे टांग के घूमते हैं,
तो उन गिटारिस्ट को भी एक सॉन्ग ऐसा मिले जिससे वो कहीं पे भी उसको परफॉर्म कर सके. और मेलेडी मैंने इसीलिए बिल्कुल ऐसी रखी है जो कि हर इंसान कभी भी कहीं भी गा सकता है. तो वो मेजर जो इंस्ट्रूमेंटेशन मैंने करा वो गिटार पर किया है. तो ऐसे ही फिर इसका पूरा अरेंजमेंट हुआ. रिकॉर्डिंग के वक्त क्या कुछ आपके मन में रहता है, क्योंकि एज अ कॉम्पोजिशन जब रिकॉर्डिंग होती है काफी सारे इनपुट्स होते हैं, सिंगर अपना काम करता ही है, बट एक रहता है कि हाँ अगर ये इस तरह से हो. कॉम्पोजिशन का काम मेन रहता है कि रिकॉर्डिंग वक्त एक मेजर इम्पोर्टेंट रोल रहता है. आप अगर इस गाने को लेके आपका क्या मेजर रोल था रिकॉर्डिंग के टाइम? देखिए एक कंपोजर के पास एक विजन होता है और वो विजन जो होता है साथ में एक कंपोजर को मैं एक दूसरे शब्दों में बोलूँगा वो एक टीचर भी होता है उस दौरान जिस दौरान गाना रिकॉर्ड हो रहा है. तो वो कहीं ना कहीं एक जहन में जो चीज़ रहती है कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो सामने वाला सिंगर उसको दे, प्रेजेंट करे उसी तरीके से जैसे मैं चाह रहा हूँ. तो मैं अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ कि जिससे जल्दबाजी कुछ नहीं, आराम से करेंगे. लेकिन जो मुझे चाहिए वो आप दीजिए. तो जल्दबाजी नहीं करते हैं, आराम से करते हैं. और विजन जो क्लियर होता है मैं उन सब थॉट्स को 100% कन्वे करने की कोशिश करता हूँ कि इसके अंदर ये विजुअली मैं कैसा सोच सकता हूँ इस गाने को, ये इस गाने में कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जिन पे हम एम्फसाइज करें. ये सब चीज़ें बहुत सारी दिमाग में रहती हैं और ये उस समय पे सिंगर को कन्वे करना बहुत ज़रूरी होता है. तो कहीं ना कहीं सिंगर जो है वो आपके दिए हुए पथ पर चलेगा लेकिन पथ प्रदर्शक आप हैं. तो सही वही है, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है. तो वही है कि एक कंपोजर जो है उसका जो काम होता है वो सही रास्ते पर जाना है और मुझे पता है मेरा विजन इस रास्ते पर है तो वो सिंगर तक पहुंचाना है. लास्ट इंटरव्यू में मैं देख रहा था जब इंटरव्यूअर ने कहा कि आप दोनों दो दो लाइनें, आपने भी गाया, तो ये जो सिंगिंग की जो कला है जो कॉम्पोजिशन में करते करते जो सिंगिंग की कला आई जाती है, ऐसा लगता है कि हाँ मैं भी अच्छा गा ही लेता हूँ. बट आप टू बी वेरी ऑनेस्ट यू आर सिंगिंग वेरी वेल, तो ये जो कला है ये किस तरह से है आपके मन में, शुरुआत कैसी हुई सिंगिंग की? एक्चुअली मैं एक सिंगर हूँ. ओके, कॉम्पोजिशन और सिंगर? जी जी, हाँ. मैं एक सिंगर हूँ और मैंने बहुत सारे आर्ट कमर्शल्स गाए हैं जो कि आप यूजुअली टीवी पर देखते हैं लेकिन आपको पता नहीं है वो मैंने गाए हुए हैं. हाँ. तो एड कमर्शल्स बहुत गाए हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स गाए हैं, एक एड कमर्शियल हम दोनों ने साथ में भी गाया है. तभी हम पहली बार मिले, पहली बार हम उसी एड कमर्शियल से मिले. और उसके बाद में हमने गानों की झड़ी लगा दी और अभी ये गाना है, शुरुआत है. अभी आने वाले समय पे आपको मेरी कॉम्पोजिशन और अर्पिता जी की वॉइस में गजल भी मिलेगी, मेरी कॉम्पोजिशन और अर्पिता जी की वॉइस में सैड सॉन्ग भी मिलेगा, मेरी कॉम्पोजिशन और अर्पिता जी के सिंगिंग में एक एपिक टाइप का एक म्यूजिक है जो कि मिर्जा गालिब का है. हाँ. वो भी आपको सुनने को मिलेगा. तो बहुत कुछ आ रहा है पाइपलाइन में, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में एक हमने हॉरर टाइप का भी गाना. हाँ. ये भी नहीं छोड़ा वो भी नहीं छोड़ा है. संगत जी, आपसे जानना चाहूंगा, ये जो जितने भी इतने सारे प्रोजेक्ट होते हम किसी के साथ काम करते हम इजी इतना हो जाता है कि हम दोनों की जो तालमेल है काफी अच्छी हो जाती है कोई भी, आपकी सबसे खास बात क्या लगती है मैम की एज ए सिंगर? देखिए सबसे बड़ी बात है कहीं ना कहीं आप ना एक किसी के साथ में ट्यूनिंग होती है. तो आपको लगता है कि नहीं यार इस शख्स के साथ में मैं जो सोच रहा हूँ वो ये तुरंत वहीं पे पहुँच जाएंगे. तो ये एक सबसे बड़ी खासियत है कि मैं सोचता हूँ और मैं सोच के बता रहा हूँ, बताते बताते एंड ये बता देंगे. तो मतलब कहीं ना कहीं हम लोग सेम रास्ते पर ही होते हैं, सेम टाइप ऑफ विजन. एग्जैक्टली. आप अगर कुछ बताना चाहोगे? वही एक्चुअली वही बात है कि ये तालमेल, ये समझाना बड़ा मुश्किल है किसी के साथ क्यों वो ट्यूनिंग बैठती है, ये आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते.
क्योंकि उनका कंपोजिशन स्टाइल ऐसा, हमारे टेस्ट शायद म्यूजिक में सेम है, शायद हम सेम आर्टिस्ट को सुने हैं, शायद हम वो एक म्यूजिक की सेंसिबिलिटी होती है ना, तो वो सेंसिबिलिटीज जब मैच करती हैं तो ऑटोमेटिकली फिर आप लोगों के विजन भी मैच करते हैं, ऑटोमेटिकली जो सामने वाला कहना चाह रहा है वो आप समझ जाते हैं, तो बैठ जाता है जाते जाते दो लाइनें चल बादल बादल हवा हवा चल दोनों रे हम सारा जहां, चल बादल बादल हवा हवा चल दोनों रे हम सारा जहां, हम दोनों चले चल दोनों वहां जहां ख्वाहिशें दे हम तुमको पाना, जहां ख्वाहिशें दे हम तुमको पना, चल बादल बादल हवा हवा चल दोनों रे हम सारा जहां, वरुण तेज की फिल्म लोफर देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी साथ ही जाने कहाँ देखी इसे फ्री में। फिल्म की कहानी काफी सिंपल है, एक अहंकारी और गैर जिम्मेदार पिता अपनी पत्नी से अलग हो जाता है और अपने बेटे राजा को उससे दूर ले जाता है। राजा बड़ा होकर अपने पिता की तरह लोफर बन जाता है और मानता है कि वो एक मातृहीन बच्चा है। जैसे जैसे समय बीतता है राजा को मोनी से प्यार हो जाता है जिसे अपने पिता से बहुत बड़ा खतरा है। राजा तब मोनी को मुक्त करने का फैसला करता है और जब वो ऐसा करने वाला होता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ अभी भी जीवित है और सीधे तौर पर मोनी और उसकी समस्याओं से संबंधित है। राजा अपनी माँ का सामना कैसे करेगा, उसकी माँ का दिशा से क्या संबंध है और राजा इन सभी समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, यही कहानी का बाकी हिस्सा बनता है। लोफर निश्चित रूप से वरुण के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। यह साबित करता है कि वरुण एक व्यापक भूमिका निभा सकते हैं और गानों और झगड़ों में सभी को प्रभावित कर सकते हैं। यह दुबला पतला हीरो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में एक बड़ा स्टार होगा और इसे शानदार तरीके से प्रदर्शित किया गया है। वरुण के कद, स्क्रीन उपस्थिति और भावात्मक प्रदर्शन को पूरी ने उत्कृष्ट रूप से प्रदर्शित किया है। फिर भी फिल्म की एक और प्रमुख संपत्ति पोसानी कृष्ण मुरली है। अनुभवी अभिनेता ने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है और एक चतुर पिता के रूप में शानदार हंसी पैदा की है। यह उनके लिए एक विशेष भूमिका है और वरुण तेज के साथ पोसानी की केमिस्ट्री काफी अच्छी है। दिशा पटानी आत्मविश्वास से भरी शुरुआत करती है और स्क्रीन पर अच्छी लगती है। फर्स्ट हाफ इंटरवल धमाकेदार काफी अच्छे है और तेज गति से आगे बढ़ते है। रेवती वरुण के बीच के सभी इमोशनल सीन बेहद अच्छे सामने आए है। एक अनुभवी अभिनेत्री होने के नाते रेवती ने दूसरे भाग के दौरान अपने प्रदर्शन में शानदार प्रदर्शन किया। कहानी की दृष्टि से एक बार फिर इसमें कुछ भी नया नहीं है। इंटरवल के बाद फिल्म काफी पूर्वानुमानित हो जाती है और आपको पता होता है कि अंत तक क्या होगा। इंटरवल के बाद भाग के बाद फिल्म बिखर जाती है और कुछ अनावश्यक दृश्य सामने आ जाते हैं। क्लाइमेक्स भी थोड़ा जबरदस्ती से भरा लगता है और बहुत ज्यादा मेलोड्रामा के साथ इसे खींचा भी गया है। फिल्म में कुछ तर्क गायब है क्योंकि फिल्म को और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए प्री क्लाइमेक्स के दौरान माँ बेटे के रिश्ते का खुलासा किया जा सकता था। फिल्म का संगीत बहुत खराब है क्योंकि गाने बिल्कुल भी दर्ज नहीं है। ब्रह्मानंदन की प्रविष्टि और उनके प्रकरण को अनावश्यक रूप से जोड़ा गया है और यह तर्कहीन लगता है। उत्पादन मूल्य काफी अच्छे है, जोधपुर के दृश्य ताजा दिखते है और इन्हें भव्य पैमाने पर फिल्माया गया है। वरुण तेज को शानदार तरीके से स्टाइल किया गया है और वो अपने किरदार के लिए उपयुक्त लगते है। पूरी के संवाद अच्छे है और संपादन भी अच्छा है। पटकथा काफी अच्छी है और पहले भाग के अधिकांश भाग में टिकी रहती है। हालांकि दूसरे भाग में एक बिंदु के बाद पूरी विचारों से वंचित हो जाते हैं और कुछ अनावश्यक पदों का परिचय देते हैं, लेकिन वरुण को शानदार तरीके से पेश करने और युवा स्टार से अद्भुत प्रदर्शन कराने का श्रेय पूरी तरह से उन्हें दिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर लोफर एक ऐसी फिल्म है जो वरुण तेज के आत्मविश्वास और करियर के लिए चमत्कार करेगी। दुबला पतला हीरो बड़े पैमाने पर अवतार में शो में धूम मचाता है और लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन पूर्वानुमानित कहानी, जल्दबाजी में आया क्लाइमेक्स और औसत से नीचे का संगीत फिल्म का मूड खराब कर देता है। अंत में लीक से हटकर कुछ भी उम्मीद न करें और इस फिल्म को केवल एक विशिष्ट पूरी कथन, माँ की भावना और वरुण के हरफनमौला प्रदर्शन के लिए मौका दे। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर,
तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार और G5 पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसी फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। लेकिन अगर आप इसे G5 पर देखते हैं तो आप इसे फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास G5 का सब्सक्रिप्शन है तो। वरुण तेज की फिल्म लोफर देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म की कहानी साथ ही जाने कहाँ देखी इसे फ्री में। फिल्म की कहानी काफी सिंपल है। एक अहंकारी और गैर जिम्मेदार पिता अपनी पत्नी से अलग हो जाता है और अपने बेटे राजा को उससे दूर ले जाता है। राजा बड़ा होकर अपने पिता की तरह लोफर बन जाता है और मानता है कि वो एक मातृहीन बच्चा है। जैसे जैसे समय बीतता है राजा को मोनी से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता से बहुत बड़ा खतरा है। राजा तब मोनी को मुक्त करने का फैसला करता है और जब वो ऐसा करने वाला होता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ अभी भी जीवित है और सीधे तौर पर मोनी और उसकी समस्याओं से संबंधित है। राजा अपनी माँ का सामना कैसे करेगा, उसकी माँ का दिशा से क्या संबंध है और राजा इन सभी समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, यही कहानी का बाकी हिस्सा बनता है। लोफर निश्चित रूप से वरुण के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। यह साबित करता है कि वरुण एक व्यापक भूमिका निभा सकते हैं और गानों और झगड़ों में सभी को प्रभावित कर सकते हैं। यह दुबला पतला हीरो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में एक बड़ा स्टार होगा और इसे शानदार तरीके से प्रदर्शित किया गया है। वरुण के कद, स्क्रीन उपस्थिति और भावात्मक प्रदर्शन को पूरी ने उत्कृष्ट रूप से प्रदर्शित किया है। फिर भी फिल्म की एक और प्रमुख संपत्ति पोसानी कृष्ण मुरली है। अनुभवी अभिनेता ने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है और एक चतुर पिता के रूप में शानदार हंसी पैदा की है। यह उनके लिए एक विशेष भूमिका है और वरुण तेज के साथ पोसानी की केमिस्ट्री काफी अच्छी है। दिशा पटानी आत्मविश्वास से भरी शुरुआत करती है और स्क्रीन पर अच्छी लगती है। फर्स्ट हाफ इंटरवल धमाकेदार काफी अच्छे है और तेज गति से आगे बढ़ते हैं। रेवती वरुण के बीच के सभी इमोशनल सीन बेहद अच्छे सामने आए हैं। एक अनुभवी अभिनेत्री होने के नाते रेवती ने दूसरे भाग के दौरान अपने प्रदर्शन में शानदार प्रदर्शन किया। कहानी की दृष्टि से एक बार फिर इसमें कुछ भी नया नहीं है। इंटरवल के बाद फिल्म काफी पूर्वानुमानित हो जाती है और आपको पता होता है कि अंत तक क्या होगा। इंटरवल के बाद भाग के बाद फिल्म बिखर जाती है और कुछ अनावश्यक दृश्य सामने आ जाते हैं। क्लाइमेक्स भी थोड़ा जबरदस्ती से भरा लगता है और बहुत ज्यादा मेलोड्रामा के साथ इसे खींचा भी गया है। फिल्म में कुछ तर्क गायब है क्योंकि फिल्म को और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए प्री क्लाइमेक्स के दौरान माँ बेटे के रिश्ते का खुलासा किया जा सकता था। फिल्म का संगीत बहुत खराब है क्योंकि गाने बिल्कुल भी दर्ज नहीं है। ब्रह्मानंदन की प्रविष्टि और उनके प्रकरण को अनावश्यक रूप से जोड़ा गया है और यह तर्कहीन लगता है। उत्पादन मूल्य काफी अच्छे है। जोधपुर के दृश्य ताजा दिखते हैं और इन्हें भव्य पैमाने पर फिल्माया गया है। वरुण तेज को शानदार तरीके से स्टाइल किया गया है और वो अपने किरदार के लिए उपयुक्त लगते हैं। पूरी के संवाद अच्छे हैं और संपादन भी अच्छा है। पटकथा काफी अच्छी है और पहले भाग के अधिकांश भाग में टिकी रहती है। हालांकि दूसरे भाग में एक बिंदु के बाद पूरी विचारों से वंचित हो जाते हैं और कुछ अनावश्यक पदों का परिचय देते हैं। लेकिन वरुण को शानदार तरीके से पेश करने और युवा स्टार से अद्भुत प्रदर्शन कराने का श्रेय पूरी तरह से उन्हें दिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर लोफर एक ऐसी फिल्म है जो वरुण तेज के आत्मविश्वास और करियर के लिए चमत्कार करेगी। दुबला पतला हीरो बड़े पैमाने पर अवतार में शो में धूम मचाता है और लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन पूर्वानुमानित कहानी, जल्दबाजी में आया क्लाइमेक्स और औसत से नीचे का संगीत फिल्म का मूड खराब कर देता है। अंत में लीक से हटकर कुछ भी उम्मीद न करे और इस फिल्म को केवल एक विशिष्ट पूरी कथन, माँ की भावना और वरुण के हरफनमौला प्रदर्शन के लिए मौका दे। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर। तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार और G5 पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसी फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। लेकिन अगर आप इसे G5 पर देखते हैं तो आप इसे फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास G5 का सब्सक्रिप्शन है तो। वरुण तेज की फिल्म लोफर देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म की कहानी साथ ही जाने कहाँ देखी इसे फ्री में। फिल्म की कहानी काफी सिंपल है। एक अहंकारी और गैर जिम्मेदार पिता अपनी पत्नी से अलग हो जाता है और अपने बेटे राजा को उससे दूर ले जाता है। राजा बड़ा होकर अपने पिता की तरह लोफर बन जाता है और मानता है कि वो एक मातृहीन बच्चा है। जैसे जैसे समय बीतता है राजा को मोनी से प्यार हो जाता है, जिसे अपने पिता से बहुत बड़ा खतरा है। राजा तब मोनी को मुक्त करने का फैसला करता है और जब वो ऐसा करने वाला होता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ अभी भी जीवित है और सीधे तौर पर मोनी और उसकी समस्याओं से संबंधित है। राजा अपनी माँ का सामना कैसे करेगा, उसकी माँ का दिशा से क्या संबंध है
और राजा इन सभी समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, यही कहानी का बाकी हिस्सा बनता है। लोफर निश्चित रूप से वरुण के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। यह साबित करता है कि वरुण एक व्यापक भूमिका निभा सकते हैं और गानों और झगड़ों में सभी को प्रभावित कर सकते हैं। यह दुबला पतला हीरो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में एक बड़ा स्टार होगा और इसे शानदार तरीके से प्रदर्शित किया गया है। वरुण के कद, स्क्रीन उपस्थिति और भावात्मक प्रदर्शन को पूरे ने उत्कृष्ट रूप से प्रदर्शित किया है। फिर भी फिल्म की एक और प्रमुख संपत्ति पोसानी कृष्ण मुरली है। अनुभवी अभिनेता ने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है और एक चतुर पिता के रूप में शानदार हंसी पैदा की है। यह उनके लिए एक विशेष भूमिका है और वरुण तेज के साथ पोसानी की केमिस्ट्री काफी अच्छी है। दिशा पटानी आत्मविश्वास से भरी शुरुआत करती है और स्क्रीन पर अच्छी लगती है। फर्स्ट हाफ इंटरवल धमाकेदार काफी अच्छे है और तेज गति से आगे बढ़ते है। रेवती वरुण के बीच के सभी इमोशनल सीन बेहद अच्छे सामने आए है। एक अनुभवी अभिनेत्री होने के नाते रेवती ने दूसरे भाग के दौरान अपने प्रदर्शन में शानदार प्रदर्शन किया। कहानी की दृष्टि से एक बार फिर इसमें कुछ भी नया नहीं है। इंटरवल के बाद फिल्म काफी पूर्वानुमानित हो जाती है और आपको पता होता है कि अंत तक क्या होगा। इंटरवल के बाद भाग के बाद फिल्म बिखर जाती है और कुछ अनावश्यक दृश्य सामने आ जाते हैं। क्लाइमेक्स भी थोड़ा जबरदस्ती से भरा लगता है और बहुत ज्यादा मेलोड्रामा के साथ इसे खींचा भी गया है। फिल्म में कुछ तर्क गायब है क्योंकि फिल्म को और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए प्री क्लाइमेक्स के दौरान माँ बेटे के रिश्ते का खुलासा किया जा सकता था। फिल्म का संगीत बहुत खराब है क्योंकि गाने बिल्कुल भी दर्ज नहीं है। ब्रह्मानंदन की प्रविष्टि और उनके प्रकरण को अनावश्यक रूप से जोड़ा गया है और यह तर्कहीन लगता है। उत्पादन मूल्य काफी अच्छे है। जोधपुर के दृश्य ताजा दिखते है और इन्हें भव्य पैमाने पर फिल्माया गया है। वरुण तेज को शानदार तरीके से स्टाइल किया गया है और वो अपने किरदार के लिए उपयुक्त लगते है। पूरी के संवाद अच्छे है और संपादन भी अच्छा है। पटकथा काफी अच्छी है और पहले भाग के अधिकांश भाग में टिकी रहती है। हालांकि दूसरे भाग में एक बिंदु के बाद पूरी विचारों से वंचित हो जाते हैं और कुछ अनावश्यक पदों का परिचय देते हैं, लेकिन वरुण को शानदार तरीके से पेश करने और युवा स्टार से अद्भुत प्रदर्शन कराने का श्रेय पूरी तरह से उन्हें दिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर लोफर एक ऐसी फिल्म है जो वरुण तेज के आत्मविश्वास और करियर के लिए चमत्कार करेगी। दुबला पतला हीरो बड़े पैमाने पर अवतार में शो में धूम मचाता है और लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन पूर्वानुमानित कहानी, जल्दबाजी में आया क्लाइमेक्स और औसत से नीचे का संगीत फिल्म का मूड खराब कर देता है। अंत में लीक से हटकर कुछ भी उम्मीद न करें और इस फिल्म को केवल एक विशिष्ट पूरी कथन, माँ की भावना और वरुण के हरफनमौला प्रदर्शन के लिए मौका दे। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार और G5 पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसी फिल्म को फ्री में देखना चाहते है तो इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। लेकिन अगर आप इसे G5 पर देखते हैं तो आप इसे फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास G5 का सब्सक्रिप्शन है तो चमको ले मेरे इधर आइए। प्लीज क्वेश्चन मैम सर मेरे पीछे ले। क्या हाल चाल है? वही हड्डी वही हाल चाल। हाउ आर यू? हाउ वंडरफुल यू लुक स्पेशल। थैंक यू। चलो पापी आओ, लेट्स गेट ऑन। दीप्ति मैम एक फोटो कर लेते हैं साथ में। क्वेश्चन सर आइए ना, आप भी आइए। क्वेश्चन कम भूषण सर ऑल ऑफ यू सेंटर। भूषण जी यार चश्मा पहन लूं? पहन लेगा? पहन लीजिए। थैंक यू। रजित सर यहाँ पर थोड़ा मैम
थैंक यू मैम. Enough for this room. To my friends from media, thank you for being here. My name is Tuti. Super thrilled to be moderating this conversation. We, of course, all of us are here for the trailer launch of Goldfish. I had the privilege to watch this film, which is why I have lots of questions that I want to ask my panelists here, starting with, why do you have a face palm? You should be happy and beaming. He, of course, is Pushan Kriplani, the writer and director. He's the goldfish. He's the goldfish. And this is a very sensitively told film. At the core of it is a mother-daughter relationship. I'm not going to reveal much, but it has lots of layers. And we're going to unpeel and details should bleed out a little bit. And so I also have Dilshad Khurana here. She's the head counselor with Empower Minds. Thank you. You're going to give us a different perspective and tell us all the other nuances that this film has. And here on my left are two amazing stars. So Deepthi ji, you don't need an introduction. We all are fans. You know, whatever role you've been given, we've just been enthralled by your performance. And even I'm a fan. It goes without saying, but here, this was a very tough role. And you've done it so sensitively. Thank you for being here. It was a lovely performance. And Mr. Rajat Kapoor, you again, he has such an endearing role here in this film. I can't wait for all of you to watch it. But again, you were brilliant like you always are. And I said, for me, you go back to Mukesh Bakshi. Okay, so last 5 minutes, I'll open it up for all of you. If you have any questions, note it down and remind me, and I'll make sure you get to ask your question. But till that time, I have them to myself, and I'm going to start with the writer-director. Please take this as a compliment when I say, is this autobiographical? Because just the intensity with which you've shown and dealt with something like mental health, aging parents, the dilemma of caregivers, how do you know it so well? What was the trigger to write this story, and what happened before you actually put pen to paper? I can address this question in two parts. Sorry, we forgot. Yes, but it is partly personal and autobiographical. It actually, writing the film started from the final scene that you see in the picture. It's a little exchange between my grandmother and me. But everything else is imagined, and the conflicts are universal but imagined. However, writing the fact that it's people talk about dementia and it's based around that idea is simply the engine that drives the picture. It isn't actually the reason for the picture to be. The reason for the picture to be is the mother-daughter conflict and the resolutions that we attempt to arrive at, which are basically forgiveness, I think, and understanding. And acceptance. Acceptance, yes. Anger, denial, etc. All of this, and so I thought it would be relatable, because if you chuck a stone in this room with all these lovely people, I don't think anybody has been unaffected by it. And it's going to be, I think, one of the greatest health crises we're going to see in the coming years. I know that you deal with this almost on a daily basis. And I don't know anybody who hasn't met somebody or been affected by what is essentially a loss of self.
And so the idea of this picture was to find a self in other people, as if in some ways you are entrusting that which is you to a village, almost, and other people. So your identity lives with other people. That's a long and rambling answer to a short question. My apologies. It's been a long time since I've spoken about this. And it means much. And interestingly, it means much to people who watch it, which is more important to me. I hope that helps. Of course it does. And to set context to this this conversation, I would now like to bring in Dilshad. Dilshad, films have had a huge impact on our on society in general. It tells us what's cool, what's trending. It helps us question the norms, question our own biases and prejudices. So films and filmmakers who have a voice and who want to say something, it becomes all the more important to champion such films and to celebrate such films. You are a mental health counselor, professional, and you've been dealing with this. When you watch the film, what are the instances where you felt, oh my God, that's eerily real? I've dealt with situations like this. So I actually haven't, unfortunately, had the privilege of watching this film, but I've scored myself an invite on the 25th, so I'm going to watch it soon. But I want to tell you, it is a lot about what you deal with, about the awareness that Empower wants to spread. Yes. So, coming to the first part of your question, yes, films, I think as we're growing up and even later on, I think apart from our parents and siblings, I think films are the next big influence in all our lives, whether you are a movie buff or not, you know, I mean, you can't escape it, and that's great. So I think hence, you know, we need more films like this that talk about mental health, because sadly, so mental health, even though it's so prevalent and more so now post the COVID pandemic, people are still so afraid of talking about it, you know, and rich, poor, young, old, doesn't matter. Everyone's still very mental equals to mad, you know, that is still the number one thing that comes to your head, which is so unfortunate because it's so much more than that. So I think, yes, films really do need to, you know, talk more about it and encourage people to talk more about mental health issues, and of course then through that seek help. So good job. It's them. It of course is them, and now coming to them. Deepthiji, I was reading one of your interviews and you said as an actor you always were looking forward to a role that changed something within you, and this role, this film did that. Please talk to us a little about what you felt when you were portraying the character. I must say that it took me back to my mother's condition a lot. I saw her very closely. I was able to spend time with her in her later years, when she was suffering from dementia as well as Alzheimer's. So in one sentence, when Rajit over the phone told me what the film is about and said that Bhushan Kriplani is directing, he's Jayant's son, and it's a mother-daughter story. Kalki's doing it, and who is this woman? She's this woman who is also suffering, who is mainly suffering from dementia. I think immediately I said, I'll do it. And I didn't ask for the script. I said, wo to aata rahega, theek hai. But the team is right. I get the sense that, you know, things are in the right place somehow to begin with. And then when Bhushan narrated the script to me, we were going over the script and we were discussing things. At that time, I think I was too close. I was just thinking of Mama all the time. You know, I had to step back a little. He helped me with that. To step back a little bit and then approach it like an actor would. You know, not get totally consumed by the fact that. So it was cathartic for me.
it was difficult. But it was it gave me the opportunity what I was waiting for. I wanted to do a layered play, something which is layered, which is definitely which is intense. It wasn't meant to be maybe that intense a film. They wanted it to be lighter, but no way. but something intense, something layered, something complex, you know, a little complex also. It's no fun playing a straight mom. Achhi si hoti hai jo maa hoti hai Hindi cinema mein. So wo nahi tha, toh I was very excited, super excited. So that's how I approached it. That's a lovely thing you said. In fact, you gave me a segue. This cinema, filmo ki maa, you know, we've also made a trope, and you, of course, here you've done a phenomenal job. Rajat ji, coming to you, a very, very endearing character, and very, you know, this film is as much in its dialogues, conversations, as it is in its silences. And with just brewing tea, you conveyed so much. How was it? What won you over about this script first? Because you're the one who called her and convinced her. I think when Bhushan was writing it only, he told me, I've already written a role for you and you have to do it. So that was already decided beforehand. So there was no question of not doing it. But the important thing was, as we were talking about it, you know, the silent presence and the silent support is the way I looked at this character. So there may not be much to say, but you know, in these kind of relationships, and when we are talking about mental health, that kind of support, which you know somewhere there is there, you know, behind you. Ek hota hai na, peeth thapthapane ke liye koi hai. Companionship, friendship. Yeah, and it's there. You don't say it, but it's there. And that's the kind of presence I think this character kind of translates into on screen. He's almost like a catalyst, and as yesterday we were talking about it, and she said he's kind of the silent lover, but there's so much more to him, just you know, being that love is more compassion, you know, that embodies itself through these scenes, particularly, as you say, in the silences, you know, with both the women. So in that sense, I've been part of this project while he was writing it only, so. Isn't it? True. Yeah. Bhushan, you want to talk about the omelette making and the tea brew? Sure, yeah. Raju's very good at silences. Not in life. But on camera, there's a he embodies it. There are some people who know how to inhabit a close-up without shouting about it. He and Deepthi ji both understand the reductive power of the close-up very, very well. It's where a wink is a shout, and they understand what that is. And they understand that a tilt of the head, when you put it in an edit, means something, right? And that was incredible. And actually, if you have people that you have ended up casting. When Arya and I were writing the film, that's my co-writer and I, writing the film, there was no other person who could play that part, absolutely. Because we felt supported by him, even in the theater and in life, through our lives. So we know that the man who has his hand on the small of your back going up the stairs is going to be Raju Kapoor. That's easy. But what is also easy is if you cast it right. If you cast it right, it becomes almost boring to direct. Because what you have to do is basically offer them something, create an environment, which Amit sitting at the back was very good at doing, and let them be the best version of their performative selves. That's all you have to do. You have to offer a text, you have to offer a situation, and offer safety. And then they play. And we are here to watch that. That is why we're here. So it's kind of really easy. No, that's very well put, and you know, for those of you who haven't seen the film, of course they're brilliant, but I think every role has been written so nicely. Every individual has their own thread that runs beautifully, and you kind of are rooting for everyone. One of the things that really moved me about this film, dementia is a debilitating
condition, not just for the person who has it, but more so for those around them, because they keep seeing the person they knew wither away slowly every minute. And here, what's really beautiful is the community, the sense of community, you know, that we see in certain scenes. COVID was you know, is also a backdrop, and I think that was also the time when all of us, you, those in the room, understood what it meant to truly feel alone at times, or helpless, or not know what the future holds. How do you process, you've all gone through that, we're in a way it's still, it lingers somewhere, and to then do a film like this, how did you comprehend that? I could probably, you know, start with you and... I don't know where to begin, because suddenly when you started mentioning COVID and pandemic, I went, you know, it was rewind. And then I thought of, you know, 11 days of quarantine, which had to be done. We had to shoot at this time. You know, we had already postponed the shooting of the film once. It was to be in the month of January. We couldn't travel. We pushed it to June. And then I remember having a conference call with Amit and Bhushan, and we said, now if we don't do it, it will never happen, yeah. Or it may not happen. We have to do it. These are the dates now, quarantine or no quarantine. And in my case, I was quarantined for 11 days and then worked for 8 days. Then I came back. So my quarantine period was longer than my shooting period. The two ladies, the two women were also there, but they also had to go through the whole quarantine process. But I think on a general or a larger level, the pandemic definitely taught me about priorities, at least the focus of what is more important. Health, mental health definitely became a priority that, you know, we take it for granted. It's like sometimes how we just take electricity for granted today, and then you're suddenly without electricity for a day and you're panicking, you know, because you just don't think about it. And I think the COVID made us think about health, mental health. True. Aditi ji, if you would want to add to that. No. I want to bring you in into the discussion, because I'm sure during those months of COVID and even now you're still dealing with the aftermath. How has it been as a mental health professional? You know, you must have been just, you know, unable to... Tough days. Yes, tough days. So actually, COVID, when it happened in March, right? But and in April, we launched our helpline. Hmm. So the government of Maharashtra approached us and, you know, expedited our already in process plan of starting this helpline, and we started this 24/7 helpline, which was actually supposed to be just for Maharashtra, but I think word spread and became a nationwide helpline organically. And I remember we started in April 2020, and that month itself we got 35,000 calls. And I managed the helpline, but I myself had to then, you know, start taking calls. And it was crazy. I mean, I can't imagine, I can't begin to tell you. It was all sorts of, I mean, people calling saying that they have lost their employment overnight, they've lost their businesses overnight, they're stranded. It still gives me goosebumps, see? They're away from their families, you know, all sorts of things. And It was heart-wrenching. I mean, we're, as professionals, we're, you know, a little detached and objective, but how can you and these were like back-to-back also. So yeah, so the helpline was launched and we were inundated with calls. So it was quite, and that lasted for a good 2 years, because then we had the second wave, but there was a whole lot of grief that was being talked about. So yeah, I'm just glad that we were there, like a small part, but we were there to help out. So that was pretty crazy. And also why it's important to watch films like Goldfish, which deal with a subject which is still taboo, because we still don't want to openly say that, oh, I went to a shrink or I went to a therapist, because you
you're okay going to a physician, but somehow mental health or talking about it openly is always tough. And are we ready for the goldfish trailer? It's so funny that after I did Goldfish, I did another film called Pigeon, and that is also and that's also dealing with issues of mental health in a way, you know, very surreal. What is this connection? Well, the pandemic is very weird because the pandemic did something strange. Because we all went through it, I think I'm right in saying this. I don't know. You guys are professionals, but because you're because everybody went through it, there's some sort of disconnect between the individual experience, just because the whole planet went through it. But each trauma is individual. Each pain is solo. Do you know what I mean? And just because it happened, it's like a nuclear explosion. It doesn't matter that it happened to 140,000 people. The fact is, you have lost X, you have lost Y, you have lost Z. It's an individual problem, and your mental acumen or acuity dealing with this is entirely personal. So this is a global event and this really tiny thing that happens to you, which is earth-shaking. That's kind of what the picture is about, in my limited opinion. Dementia is the engine. The community is the force that helps. The problem, although pan-cultural, is individual. That's interesting to me. So that's what the film is about in some ways. The dementia is just the driving force of it. But it's that personality and that personality and that personality, those individuals that gather to create this whole that we have attempted to do here. But what she was saying, you know, about somebody losing everything, I didn't realize it until I started working after Goldfish on Pigeon. I said, bizarre, very funny script. And then Bugs, who's my director, says, you know how much of pain there is in it? And that is such an underlying layer of these two individuals whom the film is about. Because he gradually lose everything. So you're only going to do animal-based films? To do, you offer Goldfish, then I get Pigeon, now tomorrow somebody will offer a monkey. There seems to be some connection, I don't know. Yeah. Maybe the animals are better off than we were. Yeah, I'm sure. No, dolphins were incredibly happy. So I think, are we ready for the trailer? Shall we step out of the way? Yes. Let me see. Yes. Yes.